आज हम यहाँ पर एक और कमाल की और धमाकेदार मूवी के बारे में बात करेंगे जो कि दोस्तों आपके दिल को छू छूलेंगी तो काफ़ी कमाल की मूवी है साथ में ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो और इस मूवी को जानना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है जो आप सभी को शायद ज़रूर पसंद आएंगी तो काफ़ी कमाल की मूवी है और इस मूवी को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएंगी। मैं आप सभी को बता दूँ कि ये मूवी जो है वो सत्य घटना पर आधारित है ऐसी घटना पहले भी घट चुकी है तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में दोस्तों मूवी का नाम है सैम भी इस मूवी को 2022 के अंदर रिलीज़ किया गया था और यह एक ड्रामा और थ्रिलर मूवी है यह मूवी जो थी वो एक साथ पाँच भाषा के अंदर रिलीज़ हुई है डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जी हाँ दोस्तों ये मूवी एक साथ पाँच भाषा के अंदर आ चुकी है डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर तो आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं वहाँ पर मूवी आपको हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ और मलयालम भाषा में देखने को मिलेंगी अब आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास जो है वो डिजनी प्लस की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी और वो लोग इन मूवी को फ्री में देखना चाह रहे होंगे तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ आप इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हो तो मूवी आपको बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी इसके अलावा बहुत सारे टेलीग्राम चैनल में यह मूवी आपको आसानी से मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को कहीं से भी देख सकते हैं चूंकि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता हूँ बाकी वो आपकी अपनी चॉइस है अगर हम बात करें मूवी के बारे में तो मूवी के अंदर ड्रामा और थ्रिलर देखने को मिलता है मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की निकल के आई थी जो आई है वहाँ पर इस मूवी को टेन आउट ऑफ सेवन पॉइंट सिक्स की रेटिंग मिली थी इसके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर थ्री स्टार मिले थे और नाइन्टी फोर परसेंट लोगों ने इस मूवी को लैक्स दिया था गूगल की तरफ से तो यहाँ पर इस मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की थी इससे ही आपको मालूम पड़ गया होगा कि मूवी की कहानी काफ़ी दमदार होने वाली है अगर हम बात करें मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रभु सोलोमन ने जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं इनकी मूवीज़ काफ़ी हटके होती है इन्होंने पहले भी जो है वो कहाडन कुमकी थधारी महीना काहल जैसी कमाल की मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी यूनिक रही थी और उनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी अच्छी भी होती हैं अगर हम इस मूवी के मुख्य किरदार के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर अश्विन कुमार कोवै कोवैसरला नाजी संपत थाम्बी और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार शांव इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों आप में से बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी हिट रही थी तो बॉप रही थी तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ कि इस मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था और ये एक हिट मूवी साबित हुई थी चलिए हम बात करते हैं कि मूवी की जो कहानी है वो किस तरह की है और इस मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी जो है देखने को मिलेंगी और हमें इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं तो दोस्तों पहली बात तो आपको इस मूवी को ज़रूर देखना चाहिए इस मूवी की स्टोरी जो है काफ़ी कमाल की है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको बहुत सारे अच्छे और बेहतरीन सीन भी देखने को मिलते हैं तो अगर हम बात करें तो इस मूवी की जो कहानी है वो अम्बू नाम की एक बस अपने 24 यात्रियों की कहानी सुनाते हैं जो कि कोडाइनाल से डिंडोगुल तक की यात्रा की एक झलक देती है कोबे सरला और उसके पोती सुखी जीवन जीती है लेकिन वे पुलिस के जाल में फंस जाते हैं और उनके साथ एक बहुत ही बड़ा तगड़ा स्कैम होता है जो गुना उन्होंने किया ही नहीं था उनकी सजा उनको मिलने वाली थी पढ़ा लिखा युवक दिन दुखिया की मदद करता है और अनजाने में ही दुश्मन बना लेते हैं मूवी के अंदर जो मैन कॉन्सेप्ट है और यहाँ पर एक ऐसे बंदे का भी है जो कि किसी की मदद करना चाहता था पर मदद करने के चक्कर में उसने अपने ऊपर ही बहुत ही बड़ा जोखिम उठा लिया होता है इस मूवी का क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का है स्टोरी लाइन काफ़ी कमाल की है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को मिस मत कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएँगी मैं आप सभी को बता दूँ मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर मिलेंगी आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं इसके अलावा मूवी बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट्स पर भी अवेलेबल है तो आप इस मूवी को वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं इस मूवी का दोस्तों क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का था जो आप सभी को ज़रूर अच्छा लगेगा अगर हम इस मूवी के हिंदी टेलीविज़न प्रीमियर के बारे में बात करें तो इस मूवी का जो हिंदी टेलीविजन प्रीमियर है वो आप सभी को देखने को मिलने वाला है स्टार गोल्ड पर जी हाँ दोस्तों इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिलेगा यह मूवी अब अब आपको लगभग एक से दो महीने के अंदर ही स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को टीवी पर भी देख पाएंगे तो काफ़ी सही मूवी है टीवी पर आए तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा मूवी दोस्तों आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है चलिए हम बात कर लेते हैं आगे जो है वो इस मूवी के बारे में कि मूवी के अंदर आपको क्या ऐसा ख़ास देखने को मिलता है तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर लॉयर होते हैं उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी शानदार लगी जो कि भाई दिल को छू गए उनकी एक्टिंग इसके अलावा भी इन्होंने जो यहाँ पर किरदार जिनका है वो काफ़ी कमाल का मुझे लगा तो ओवरऑल मूवी काफ़ी सही है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिए मूवी आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी इस मूवी के अंदर जितने भी कलाकार हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है जो आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है आज हम यहाँ पर एक और कमाल की और धमाकेदार मूवी के बारे में बात करेंगे जो कि दोस्तों आपके दिल को छू छूलेंगी तो काफ़ी कमाल की मूवी है साथ में ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो और इस मूवी को जानना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है जो आप सभी को शायद ज़रूर पसंद आएंगी तो काफ़ी कमाल की मूवी है और इस मूवी को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएंगी मैं आप सभी को बता दूँ ये मूवी जो है वो सत्य घटना पर आधारित है ऐसी घटना पहले भी घट चुकी है तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में दोस्तों मूवी का नाम है सैम भी इस मूवी को 2022 के अंदर रिलीज़ किया गया था और यह एक ड्रामा और थ्रिलर मूवी है यह मूवी जो थी वो एक साथ पाँच भाषा के अंदर रिलीज हुई है डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जी हाँ दोस्तों ये मूवी एक साथ पाँच भाषा के अंदर आ चुकी है डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर तो आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं वहाँ पर मूवी आपको हिंदी तमिल तेलुगू कन्नड़ और मलयालम भाषा में देखने को मिलेंगी अब आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास जो है वो डिजनी प्लस की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी और वो लोग इन मूवी को फ्री में देखना चाह रहे होंगे तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ आप इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हो तो मूवी आपको बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी इसके अलावा बहुत सारे टेलीग्राम चैनल में यह मूवी आपको आसानी से मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को कहीं से भी देख सकते हैं चूँकि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता हूँ बाकी वो आपकी अपनी चॉइस है अगर हम बात करें मूवी के बारे में तो मूवी के अंदर ड्रामा और थ्रिलर देखने को मिलता है मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की निकल के आई थी जो आई है वहाँ पर इस मूवी को टेन आउट ऑफ सेवन पॉइंट सिक्स की रेटिंग मिली थी इसके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर थ्री स्टार मिले थे और नाइन्टी फोर परसेंट लोगों ने इस मूवी को लैक्स दिया था गूगल की तरफ से तो यहाँ पर इस मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की थी इससे ही आपको मालूम पड़ गया होगा कि मूवी की कहानी काफ़ी दमदार होने वाली है अगर हम बात करें मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रभु सोलोमन ने जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं इनकी मूवीज़ काफ़ी हटके होती है इन्होंने पहले भी जो है वो कहाडन कुमकी थुदारी महीना काहल जैसी कमाल की मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी यूनिक रही थी और उनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी अच्छी भी होती हैं अगर हम इस मूवी के मुख्य किरदार के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर अश्विन कुमार कोवैसरला नानजी संपत थाम्बी और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार रकाव इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों आप में से बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी हिट रही थी तो फ्लॉप रही थी तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ कि इस मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था और ये एक हिट मूवी साबित हुई थी चलिए हम बात करते हैं कि मूवी की जो कहानी है वो किस तरह की है और इस मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी जो है देखने को मिलेंगी और हमें इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं तो दोस्तों पहली बात तो आपको इस मूवी को ज़रूर देखना चाहिए इस मूवी की स्टोरी जो है काफ़ी कमाल की है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको बहुत सारे अच्छे और बेहतरीन सीन भी देखने को मिलते हैं तो अगर हम बात करें तो इस मूवी की जो कहानी है वो अम्बू नाम की एक बस अपने 24 यात्रियों की कहानी सुनाते हैं जो कि कोडाइनाल से डिंडोगुल तक की यात्रा की एक झलक देती है कोबे सरला और उसके पोती सुखी जीवन जीती है लेकिन वे पुलिस के जाल में फंस जाते हैं और उनके साथ एक बहुत ही बड़ा तगड़ा स्कैम होता है जो गुना उन्होंने किया ही नहीं था उनकी सजा उनको मिलने वाली थी पढ़ा लिखा युवक दिन दुखिया की मदद करता है और अनजाने में ही दुश्मन बना लेते हैं मूवी के अंदर जो मैन कॉन्सेप्ट है और यहाँ पर एक ऐसे बंदे का भी है जो कि किसी की मदद करना चाहता था पर मदद करने के चक्कर में उसने अपने ऊपर ही बहुत ही बड़ा जोखिम उठा लिया होता है इस मूवी का क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का है स्टोरी लाइन काफ़ी कमाल की है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को मिस मत कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएँगी मैं आप सभी को बता दूँ मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर मिलेंगी आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं इसके अलावा मूवी बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट्स पर भी अवेलेबल हैं तो आप इस मूवी को वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं इस मूवी का दोस्तों क्लाइमेक्स काफ़ी गजब का था जो आप सभी को ज़रूर अच्छा लगेगा अगर हम इस मूवी के हिंदी टेलीविजन प्रीमियर के बारे में बात करें तो इस मूवी का जो हिंदी टेलीविज़न प्रीमियर है वो आप सभी को देखने को मिलने वाला है स्टार गोल्ड पर जी हाँ दोस्तों इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिलेगा ये मूवी अब आप सुल आपको लगभग एक से दो महीने के अंदर ही स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को टी पर भी देख पाएंगे तो काफ़ी सही मूवी है टी पर आए तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा मूवी दोस्तों आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है चलिए हम बात कर लेते हैं आगे जो है वो इस मूवी के बारे में कि मूवी के अंदर आपको क्या ऐसा ख़ास देखने को मिलता है तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर लॉयर होते हैं उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी शानदार लगी जो कि भाई दिल को छू गए उनकी एक्टिंग इसके अलावा इन्होंने जो यहाँ पर किरदार जिनका है वो काफ़ी कमाल का मुझे लगा तो ओवरऑल मूवी काफ़ी सही है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिए मूवी आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी इस मूवी के अंदर जितने भी कलाकार हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है जो आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है आज हम यहाँ पर एक और कमाल की और धमाकेदार मूवी के बारे में बात करेंगे जो कि दोस्तों आपके दिल को छू छूलेंगी तो काफ़ी कमाल की मूवी है साथ में ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो और इस मूवी को जानना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है जो आप सभी को शायद ज़रूर पसंद आएगी तो काफ़ी कमाल की मूवी है और इस मूवी को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी मैं आप सभी को बता दूँ ये मूवी जो है वो सत्य घटना पर आधारित है ऐसी घटना पहले भी घट चुकी है तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में दोस्तों मूवी का नाम है सैम भी इस मूवी को 2022 के अंदर रिलीज़ किया गया था और यह एक ड्रामा और थ्रिलर मूवी है यह मूवी जो थी वो एक साथ पाँच भाषा के अंदर रिलीज़ हुई है डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर जी हाँ दोस्तों ये मूवी एक साथ पाँच भाषा के अंदर आ चुकी है डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर तो आप इस मूवी को डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं वहाँ पर मूवी आपको हिंदी तमिल तेलुगू कन्नड़ और मलयालम भाषा में देखने को मिलेंगी अब आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास जो है वो डिजनी प्लस की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी और वो लोग इन मूवी को फ्री में देखना चाह रहे होंगे तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ आप इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हो तो मूवी आपको बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी इसके अलावा बहुत सारे टेलीग्राम चैनल में यह मूवी आपको आसानी से मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को कहीं से भी देख सकते हैं चूँकि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता हूँ बाकी वो आपकी अपनी चॉइस है अगर हम बात करें मूवी के बारे में तो मूवी के अंदर ड्रामा और थ्रिलर देखने को मिलता है मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की निकल के आई थी जो आई है वहाँ पर इस मूवी को टेन आउट ऑफ सेवन पॉइंट सिक्स की रेटिंग मिली थी इसके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर थ्री स्टार मिले थे और नाइन्टी फोर परसेंट लोगों ने इस मूवी को लैक्स दिया था गूगल की तरफ से तो यहाँ पर इस मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की थी इससे ही आपको मालूम पड़ गया होगा कि मूवी की कहानी काफ़ी दमदार होने वाली है अगर हम बात करें मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रभु सोलोमन ने जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं इनकी मूवीज़ काफ़ी हटके होती है इन्होंने पहले भी जो है वो कहाडन कुमकी तुधारी महीना काहल जैसी कमाल की मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी यूनिक रही थी और उनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी अच्छी भी होती हैं अगर हम इस मूवी के मुख्य किरदार के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर अश्विन कुमार कोवै सरला नानजी संपत थाम्बी और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार शांवट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों आप में से बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी हिट रही थी तो फ्लॉप रही थी तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इस मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था और ये एक हिट मूवी साबित हुई थी चलिए हम बात करते हैं कि मूवी की जो कहानी है वो किस तरह की है और इस मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी जो है देखने को मिलेंगी और हमें इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं तो दोस्तों पहली बात तो आपको इस मूवी को ज़रूर देखना चाहिए इस मूवी की स्टोरी जो है काफ़ी कमाल की है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको बहुत सारे अच्छे और बेहतरीन सीन भी देखने को मिलते हैं तो अगर हम बात करें तो इस मूवी की जो कहानी है वो अंबु नाम की एक बस अपने 24 यात्रियों की कहानी सुनाते हैं जो कि कोडाइनाल से डिंडोगुल तक की यात्रा की एक झलक देती है कोवे सरला और उसके पोती सुखी जीवन जीती है लेकिन वे पुलिस के जाल में फंस जाते हैं और उनके साथ एक बहुत ही बड़ा तगड़ा स्कैम होता है जो गुना उन्होंने किया ही नहीं था उनकी सजा उनको मिलने वाली थी पढ़ा लिखा युवक दिन दुखिया की मदद करता है और अनजाने में ही दुश्मन बना लेते हैं मूवी के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर एक ऐसे बंदे का भी है जो कि किसी की मदद करना चाहता था पर मदद करने के चक्कर में उसने अपने ऊपर ही बहुत ही बड़ा जोखिम उठा लिया होता है इस मूवी का क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का है स्टोरी लाइन काफ़ी कमाल की है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को मिस मत कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएंगी मैं आप सभी को बता दूँ मूवी आपको डिजनी प्लस ऑफ स्टार के ऑफिशियल ऐप पर मिलेंगी आप इस मूवी को डिजनी प्लस ऑफ स्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं इसके अलावा मूवी बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट्स पर भी अवेलेबल हैं तो आप इस मूवी को वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं इस मूवी का दोस्तों क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का था जो आप सभी को ज़रूर अच्छा लगेगा अगर हम इस मूवी के हिंदी टेलीविज़न प्रीमियर के बारे में बात करें तो इस मूवी का जो हिंदी टेलीविज़न प्रीमियर है वो आप सभी को देखने को मिलने वाला है स्टार गोल्ड पर जी हाँ दोस्तों इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिलेगा यह मूवी अब आप आपको लगभग एक से दो महीने के अंदर ही स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को टी पर भी देख पाएंगे तो काफ़ी सही मूवी है टी पर आए तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा मूवी दोस्तों आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है चलिए हम बात कर लेते हैं आगे जो है वो इस मूवी के बारे में कि मूवी के अंदर आपको क्या ऐसा ख़ास देखने को मिलता है तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर लॉयर होते हैं उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी शानदार लगी जो कि भाई दिल को छू गए उनकी एक्टिंग इसके अलावा इन्होंने जो यहाँ पर किरदार जिनका है वो काफ़ी कमाल का मुझे लगा तो ओवरऑल मूवी काफ़ी सही है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिए मूवी आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी इस मूवी के अंदर जितने भी कलाकार हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है जो आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है आज हम यहाँ पर एक और कमाल की और धमाकेदार मूवी के बारे में बात करेंगे जो कि दोस्तों आपके दिल को छू छूलेंगी तो काफ़ी कमाल की मूवी है साथ में ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो और इस मूवी को जानना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है जो आप सभी को शायद ज़रूर पसंद आएंगी तो काफ़ी कमाल की मूवी है और इस मूवी को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी मैं आप सभी को बता दूँ ये मूवी जो है वो सत्य घटना पर आधारित है ऐसी घटना पहले भी घट चुकी है तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में दोस्तों मूवी का नाम है सैम भी इस मूवी को 2022 के अंदर रिलीज़ किया गया था और यह एक ड्रामा और थ्रिलर मूवी है यह मूवी जो थी वो एक साथ पाँच भाषा के अंदर रिलीज़ हुई है डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर जी हाँ दोस्तों ये मूवी एक साथ पाँच भाषा के अंदर आ चुकी है डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर तो आप इस मूवी को डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं वहाँ पर मूवी आपको हिंदी तमिल तेलुगू कन्नड़ और मलयालम भाषा में देखने को मिलेंगी अब आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास जो है वो डिजनी प्लस की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी और वो लोग इन मूवी को फ्री में देखना चाह रहे होंगे तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ आप इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हो तो मूवी आपको बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी इसके अलावा बहुत सारे टेलीग्राम चैनल में यह मूवी आपको आसानी से मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को कहीं से भी देख सकते हैं चूँकि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता हूँ बाकी वो आपकी अपनी चॉइस है अगर हम बात करें मूवी के बारे में तो मूवी के अंदर ड्रामा और थ्रिलर देखने को मिलता है मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की निकल के आई थी जो आई है वहाँ पर इस मूवी को टेन आउट ऑफ सेवन पॉइंट सिक्स की रेटिंग मिली थी इसके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर थ्री स्टार मिले थे और नाइन्टी फोर परसेंट लोगों ने इस मूवी को लैक्स दिया था गूगल की तरफ से तो यहाँ पर इस मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की थी इससे ही आपको मालूम पड़ गया होगा कि मूवी की कहानी काफ़ी दमदार होने वाली है अगर हम बात करें मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रभु सोलोमन ने जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं इनकी मूवीज़ काफ़ी हटके होती है इन्होंने पहले भी जो है वो कहाडन कुमकी थधारी महीना काहल जैसी कमाल की मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी यूनिक रही थी और उनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी अच्छी भी होती हैं अगर हम इस मूवी के मुख्य किरदार के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर अश्विन कुमार कोवै सरला नाजी संपत थाम्बी और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार शांवट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों आप में से बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी हिट रही थी तो फ्लॉप रही थी तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इस मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और ये एक हिट मूवी साबित हुई थी चलिए हम बात करते हैं कि मूवी की जो कहानी है वो किस तरह की है और इस मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी जो है देखने को मिलेंगी और हमें इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं तो दोस्तों पहली बात तो आपको इस मूवी को ज़रूर देखना चाहिए इस मूवी की स्टोरी जो है काफ़ी कमाल की है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको बहुत सारे अच्छे और बेहतरीन सीन भी देखने को मिलते हैं तो अगर हम बात करें तो इस मूवी की जो कहानी है वो अंबु नाम की एक बस अपने 24 यात्रियों की कहानी सुनाते हैं जो कि कोडाइनाल से डिंडोगुल तक की यात्रा की एक झलक देती है कोवे सरला और उसके पोती सुखी जीवन जीती है लेकिन वे पुलिस के जाल में फंस जाते हैं और उनके साथ एक बहुत ही बड़ा तगड़ा स्कैम होता है जो गुना उन्होंने किया ही नहीं था उनकी सजा उनको मिलने वाली थी पढ़ा लिखा युवक दिन दुखिया की मदद करता है और अनजाने में ही दुश्मन बना लेते हैं मूवी के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर एक ऐसे बंदे का भी है जो कि किसी की मदद करना चाहता था पर मदद करने के चक्कर में उसने अपने ऊपर ही बहुत ही बड़ा जोखिम उठा लिया होता है इस मूवी का क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का है स्टोरी लाइन काफ़ी कमाल की है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को मिस मत कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएँगी मैं आप सभी को बता दूँ मूवी आपको डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर मिलेंगी आप इस मूवी को डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं इसके अलावा मूवी बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर भी अवेलेबल हैं तो आप इस मूवी को वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं इस मूवी का दोस्तों क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का था जो आप सभी को ज़रूर अच्छा लगेगा अगर हम इस मूवी के हिंदी टेलीविज़न प्रीमियर के बारे में बात करें तो इस मूवी का जो हिंदी टेलीविज़न प्रीमियर है वो आप सभी को देखने को मिलने वाला है स्टार गोल्ड पर जी हाँ दोस्तों इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिलेगा यह मूवी अब अब आपको लगभग एक से दो महीने के अंदर ही स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को टीवी पर भी देख पाएंगे तो काफ़ी सही मूवी है टीवी पर आए तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा मूवी दोस्तों आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है चलिए हम बात कर लेते हैं आगे जो है वो इस मूवी के बारे में कि मूवी के अंदर आपको क्या ऐसे ख़ास देखने को मिलता है तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर लॉयर होते हैं उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी शानदार लगी जो कि भाई दिल को छू गए उनकी एक्टिंग इसके अलावा भी इन्होंने जो यहाँ पर किरदार जिनका है वो काफ़ी कमाल का मुझे लगा तो ओवरऑल मूवी काफ़ी सही है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिए मूवी आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी इस मूवी के अंदर जितने भी कलाकार हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है जो आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है आज हम यहाँ पर एक और कमाल की और धमाकेदार मूवी के बारे में बात करेंगे जो कि दोस्तों आपके दिल को छू छूलेंगी तो काफ़ी कमाल की मूवी है साथ में ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो और इस मूवी को जानना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है जो आप सभी को शायद ज़रूर पसंद आएंगी तो काफ़ी कमाल की मूवी है और इस मूवी को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएंगी मैं आप सभी को बता दूँ कि ये मूवी जो है वो सत्य घटना पर आधारित है ऐसी घटना पहले भी घट चुकी है तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में दोस्तों मूवी का नाम है सैम भी इस मूवी को 2022 के अंदर रिलीज़ किया गया था और यह एक ड्रामा और थ्रडर मूवी है यह मूवी जो थी वो एक साथ पाँच भाषा के अंदर रिलीज़ हुई है डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर जी हाँ दोस्तों ये मूवी एक साथ पाँच भाषा के अंदर आ चुकी है डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर तो आप इस मूवी को डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं वहाँ पर मूवी आपको हिंदी तमिल तेलुगू कन्नड़ और मलयालम भाषा में देखने को मिलेंगी अब आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास जो है वो डिजनी प्लस की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी और वो लोग इन मूवी को फ्री में देखना चाह रहे होंगे तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ आप इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हो तो मूवी आपको बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी इसके अलावा बहुत सारे टेलीग्राम चैनल में यह मूवी आपको आसानी से मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को कहीं से भी देख सकते हैं चूँकि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता हूँ बाकी वो आपकी अपनी चॉइस है अगर हम बात करें मूवी के बारे में तो मूवी के अंदर ड्रामा और थ्रिलर देखने को मिलता है मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की निकल के आई थी जो आई है वहाँ पर इस मूवी को टेन आउट ऑफ सेवन पॉइंट सिक्स की रेटिंग मिली थी इसके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर थ्री स्टार मिले थे और नाइन्टी फोर परसेंट लोगों ने इस मूवी को लैक्स दिया था गूगल की तरफ से तो यहाँ पर इस मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की थी इससे ही आपको मालूम पड़ गया होगा कि मूवी की कहानी काफ़ी दमदार होने वाली है अगर हम बात करें मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रभु सोलोमन ने जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं इनकी मूवीज़ काफ़ी हटके होती है इन्होंने पहले भी जो है वो कहाडन कुमकी थधारी महीना काहल जैसी कमाल की मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी यूनिक रही थी और उनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी अच्छी भी होती हैं अगर हम इस मूवी के मुख्य किरदार के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर अश्विन कुमार कोवैसरला नानजी संपत थाम्बी और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार शांव इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों आप में से बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी हिट रही थी तो फ्लॉप रही थी तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इस मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और ये एक हिट मूवी साबित हुई थी चलिए हम बात करते हैं कि मूवी की जो कहानी है वो किस तरह की है और इस मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी जो है देखने को मिलेंगी और हमें इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं तो दोस्तों पहली बात तो आपको इस मूवी को ज़रूर देखना चाहिए इस मूवी की स्टोरी जो है काफ़ी कमाल की है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको बहुत सारे अच्छे और बेहतरीन सीन भी देखने को मिलते हैं तो अगर हम बात करें तो इस मूवी की जो कहानी है वो अम्बू नाम की एक बस अपने 24 यात्रियों की कहानी सुनाते हैं जो कि कोडाइनाल से डिंडूगुल तक की यात्रा की एक झलक देती है कोबे सरला और उसके पोती सुखी जीवन जीती है लेकिन वे पुलिस के जाल में फंस जाते हैं और उनके साथ एक बहुत ही बड़ा तगड़ा स्कैम होता है जो गुना उन्होंने किया ही नहीं था उनकी सजा उनको मिलने वाली थी पढ़ा लिखा युवक दिन दुखिया की मदद करता है और अनजाने में ही दुश्मन बना लेते हैं मूवी के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर एक ऐसे बंदे का भी है जो कि किसी की मदद करना चाहता था पर मदद करने के चक्कर में उसने अपने ऊपर ही बहुत ही बड़ा जोखिम उठा लिया होता है इस मूवी का क्लाइमेक्स काफ़ी गजब का है स्टोरी लाइन काफ़ी कमाल की है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को मिस मत कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएँगी मैं आप सभी को बता दूँ मूवी आपको डिजनी प्लस ऑफ्टेर के ऑफिशियल ऐप पर मिलेंगी आप इस मूवी को डिजनी प्लस ऑफ्टेर के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं इसके अलावा मूवी बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट्स पर भी अवेलेबल हैं तो आप इस मूवी को वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं इस मूवी का दोस्तों क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का था जो आप सभी को ज़रूर अच्छा लगेगा अगर हम इस मूवी के हिंदी टेलीविज़न प्रीमियर के बारे में बात करें तो इस मूवी का जो हिंदी टेलीविज़न प्रीमियर है वो आप सभी को देखने को मिलने वाला है स्टार गोल्ड पर जी हाँ दोस्तों इस, इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिलेगा यह मूवी अब आप आपको लगभग एक से दो महीने के अंदर ही स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को टीवी पर भी देख पाएंगे तो काफ़ी सही मूवी है टीवी पर आए तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा मूवी दोस्तों आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है चलिए हम बात कर लेते हैं आगे जो है वो इस मूवी के बारे में कि मूवी के अंदर आपको क्या ऐसा ख़ास देखने को मिलता है तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर लॉयर होते हैं उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी शानदार लगी जो कि भाई दिल को छू गए उनकी एक्टिंग इसके अलावा भी इन्होंने जो यहाँ पर किरदार जिनका है वो काफ़ी कमाल का मुझे लगा तो ओवरऑल मूवी काफ़ी सही है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिए मूवी आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी इस मूवी के अंदर जितने भी कलाकार हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है जो आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है आज हम यहाँ पर एक और कमाल की और धमाकेदार मूवी के बारे में बात करेंगे जो कि दोस्तों आपके दिल को छू छूलेंगी तो काफ़ी कमाल की मूवी है साथ में ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो और इस मूवी को जानना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है जो आप सभी को शायद ज़रूर पसंद आएंगी तो काफ़ी कमाल की मूवी है और इस मूवी को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएंगी मैं आप सभी को बता दूँ कि ये मूवी जो है वो सत्य घटना पर आधारित है ऐसी घटना पहले भी घट चुकी है तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में दोस्तों मूवी का नाम है सैम भी इस मूवी को 2022 के अंदर रिलीज़ किया गया था और यह एक ड्रामा और थ्रिलर मूवी है यह मूवी जो थी वो एक साथ पाँच भाषा के अंदर रिलीज़ हुई है डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर जी हाँ दोस्तों ये मूवी एक साथ पाँच भाषा के अंदर आ चुकी है डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर तो आप इस मूवी को डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं वहाँ पर मूवी आपको हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ और मलयालम भाषा में देखने को मिलेंगी अब आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास जो है वो डिजनी प्लस की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी और वो लोग इन मूवी को फ्री में देखना चाह रहे होंगे तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ आप इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हो तो मूवी आपको बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी इसके अलावा बहुत सारे टेलीग्राम चैनल में यह मूवी आपको आसानी से मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को कहीं से भी देख सकते हैं चूँकि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता हूँ बाकी वो आपकी अपनी चॉइस है अगर हम बात करें मूवी के बारे में तो मूवी के अंदर ड्रामा और थ्रिलर देखने को मिलता है मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की निकल के आई थी जो आईएमडीबी है वहाँ पर इस मूवी को टेन आउट ऑफ सेवन पॉइंट सिक्स की रेटिंग मिली थी इसके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर थ्री स्टार मिले थे और नाइन्टी फोर परसेंट लोगों ने इस मूवी को लैक्स दिया था गूगल की तरफ से तो यहाँ पर इस मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की थी इससे ही आपको मालूम पड़ गया होगा कि मूवी की कहानी काफ़ी दमदार होने वाली है अगर हम बात करें मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रभु सोलोमन ने जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं इनकी मूवीज़ काफ़ी हटके होती है इन्होंने पहले भी जो है वो कहाडन कुमकी थधारी महीना काहल जैसी कमाल की मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी यूनिक रही थी और उनकी मूवीज दोस्तों काफ़ी अच्छी भी होती हैं अगर हम इस मूवी के मुख्य किरदार के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर अश्विन कुमार कोवैसरला नानजी संपत थाम्बी और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार शांव इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों आप में से बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी हिट रही थी तो फ्लॉप रही थी तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इस मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था और ये एक हिट मूवी साबित हुई थी चलिए हम बात करते हैं कि मूवी की जो कहानी है वो किस तरह की है और इस मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी जो है देखने को मिलेंगी और हमें इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं तो दोस्तों पहली बात तो आपको इस मूवी को ज़रूर देखना चाहिए इस मूवी की स्टोरी जो है काफ़ी कमाल की है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको बहुत सारे अच्छे और बेहतरीन सीन भी देखने को मिलते हैं तो अगर हम बात करें तो इस मूवी की जो कहानी है वो अम्बू नाम की एक बस अपने 24 यात्रियों की कहानी सुनाते हैं जो कि कोडाइनाल से डिंडोगुल तक की यात्रा की एक झलक देती है कोबे सरला और उसके पोती सुखी जीवन जीती है लेकिन वे पुलिस के जाल में फंस जाते हैं और उनके साथ एक बहुत ही बड़ा तगड़ा स्कैम होता है जो गुना उन्होंने किया ही नहीं था उनकी सजा उनको मिलने वाली थी पढ़ा लिखा युवक दिन दुखिया की मदद करता है और अनजाने में ही दुश्मन बना लेते हैं मूवी के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर एक ऐसे बंदे का भी है जो कि किसी की मदद करना चाहता था पर मदद करने के चक्कर में उसने अपने ऊपर ही बहुत ही बड़ा जोखिम उठा लिया होता है इस मूवी का क्लाइमेक्स काफ़ी गजब का है स्टोरी लाइन काफ़ी कमाल की है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को मिस मत कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को एक बार जरूर देखिए मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएँगी मैं आप सभी को बता दूँ मूवी आपको डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर मिलेंगी आप इस मूवी को डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं इसके अलावा मूवी बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर भी अवेलेबल है तो आप इस मूवी को वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं इस मूवी का दोस्तों क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का था जो आप सभी को जरूर अच्छा लगेगा Osionfish. अगर हम इस मूवी के हिंदी टेलीविज़न प्रीमियर के बारे में बात करें तो इस मूवी का जो हिंदी टेलीविज़न प्रीमियर है वो आप सभी को देखने को मिलने वाला है स्टार गोल्ड पर जी हाँ दोस्तों इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिलेगा यह मूवी अब अब आप आपको लगभग एक से दो महीने के अंदर ही स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को टीवी पर भी देख पाएंगे तो काफ़ी सही मूवी है टीवी पर आए तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा मूवी दोस्तों आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है चलिए हम बात कर लेते हैं आगे जो है वो इस मूवी के बारे में कि मूवी के अंदर आपको क्या ऐसा ख़ास देखने को मिलता है तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर लॉयर होते हैं उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी शानदार लगी जो कि भाई दिल को छू गए उनकी एक्टिंग इसके अलावा भी इन्होंने जो यहाँ पर किरदार जिनका है वो काफ़ी कमाल का मुझे लगा तो ओवरऑल मूवी काफ़ी सही है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिए मूवी आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी इस मूवी के अंदर जितने भी कलाकार हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है जो आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है आज हम यहाँ पर एक और कमाल की और धमाकेदार मूवी के बारे में बात करेंगे जो कि दोस्तों आपके दिल को छू छूलेंगी तो काफ़ी कमाल की मूवी है साथ में ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो और इस मूवी को जानना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है जो आप सभी को शायद ज़रूर पसंद आएंगी तो काफ़ी कमाल की मूवी है और इस मूवी को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएंगी मैं आप सभी को बता दूँ कि ये मूवी जो है वो सत्य घटना पर आधारित है ऐसी घटना पहले भी घट चुकी है तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में दोस्तों मूवी का नाम है सैम भी इस मूवी को 2022 के अंदर रिलीज़ किया गया था और यह एक ड्रामा और थ्रिलर मूवी है यह मूवी जो थी वो एक साथ पाँच भाषा के अंदर रिलीज हुई है डिजनी प्लस हॉफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर जी हाँ दोस्तों ये मूवी एक साथ पाँच भाषा के अंदर आ चुकी है डिजनी प्लस हॉफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर तो आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं वहाँ पर मूवी आपको हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ और मलयालम भाषा में देखने को मिलेंगी अब आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास जो है वो डिजनी प्लस की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी और वो लोग इन मूवी को फ्री में देखना चाह रहे होंगे तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ आप इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हो तो मूवी आपको बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी इसके अलावा बहुत सारे टेलीग्राम चैनल में यह मूवी आपको आसानी से मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को कहीं से भी देख सकते हैं चूंकि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता हूँ बाकी वो आपकी अपनी चॉइस है अगर हम बात करें मूवी के बारे में तो मूवी के अंदर ड्रामा और थ्रिलर देखने को मिलता है मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की निकल के आई थी जो आईएमडीबी है वहाँ पर इस मूवी को टेन आउट ऑफ सेवन पॉइंट सिक्स की रेटिंग मिली थी इसके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर थ्री स्टार मिले थे और नाइन्टी फोर परसेंट लोगों ने इस मूवी को लैक्स दिया था गूगल की तरफ से तो यहाँ पर इस मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की थी इससे ही आपको मालूम पड़ गया होगा कि मूवी की कहानी काफ़ी दमदार होने वाली है अगर हम बात करें मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रभु सोलोमन ने जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं इनकी मूवीज़ काफ़ी हटके होती है इन्होंने पहले भी जो है वो कहाडन कुमकी थधारी महीना काहल जैसी कमाल की मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी यूनिक रही थी और उनकी मूवीज दोस्तों काफ़ी अच्छी भी होती हैं अगर हम इस मूवी के मुख्य किरदार के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर अश्विन कुमार कोवैसरला नानजी संपत, थाम्बी और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार रकावट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों आप में से बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी हिट रही थी तो बॉप रही थी तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ कि इस मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और ये एक हिट मूवी साबित हुई थी चलिए हम बात करते हैं कि मूवी की जो कहानी है वो किस तरह की है और इस मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी जो है देखने को मिलेंगी और हमें इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं तो दोस्तों पहली बात तो आपको इस मूवी को ज़रूर देखना चाहिए इस मूवी की स्टोरी जो है काफ़ी कमाल की है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको बहुत सारे अच्छे और बेहतरीन सीन भी देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें तो इस मूवी की जो कहानी है वो अंबु नाम की एक बस अपने 24 यात्रियों की कहानी सुनाते हैं जो कि कोडाइनाल से डिंडोगुल तक की यात्रा की एक झलक देती है कोवे सरला और उसके पोती सुखी जीवन जीती है लेकिन वे पुलिस के जाल में फंस जाते हैं और उनके साथ एक बहुत ही बड़ा तगड़ा स्कैम होता है जो गुना उन्होंने किया ही नहीं था उनकी सजा उनको मिलने वाली थी पढ़ा लिखा युवक दिन दुखिया की मदद करता है और अनजाने में ही दुश्मन बना लेते हैं मूवी के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर एक ऐसे बंदे का भी है जो कि किसी की मदद करना चाहता था पर मदद करने के चक्कर में उसने अपने ऊपर ही बहुत ही बड़ा जोखिम उठा लिया होता है इस मूवी का क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का है स्टोरी लाइन काफ़ी कमाल की है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को मिस मत कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएंगी मैं आप सभी को बता दूँ मूवी आपको डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर मिलेंगी आप इस मूवी को डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं इसके अलावा मूवी बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट्स पर भी अवेलेबल हैं तो आप इस मूवी को वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं इस मूवी का दोस्तों क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का था जो आप सभी को ज़रूर अच्छा लगेगा अगर हम इस मूवी के हिंदी टेलीविज़न प्रीमियर के बारे में बात करें तो इस मूवी का जो हिंदी टेलीविज़न प्रीमियर है वो आप सभी को देखने को मिलने वाला है स्टार गोल्ड पर जी हाँ दोस्तों इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिलेगा यह मूवी अब अब आप आपको लगभग एक से दो महीने के अंदर ही स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को टीवी पर भी देख पाएंगे तो काफ़ी सही मूवी है टीवी पर आए तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा मूवी दोस्तों आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है चलिए हम बात कर लेते हैं आगे जो है वो इस मूवी के बारे में कि मूवी के अंदर आपको क्या ऐसा ख़ास देखने को मिलता है तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर लॉयर होते हैं उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी शानदार लगी जो कि भाई दिल को छू गए उनकी एक्टिंग इसके अलावा भी इन्होंने जो यहाँ पर किरदार जिनका है वो काफ़ी कमाल का मुझे लगा तो ओवरऑल मूवी काफ़ी सही है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिए मूवी आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी इस मूवी के अंदर जितने भी कलाकार हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है जो आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है आज हम यहाँ पर एक और कमाल की और धमाकेदार मूवी के बारे में बात करेंगे जो कि दोस्तों आपके दिल को छू लेंगी तो काफ़ी कमाल की मूवी है साथ में ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो और इस मूवी को जानना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है जो आप सभी को शायद ज़रूर पसंद आएगी तो काफ़ी कमाल की मूवी है और इस मूवी को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएंगी मैं आप सभी को बता दूँ ये मूवी जो है वो सत्य घटना पर आधारित है ऐसी घटना पहले भी घट चुकी है तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में दोस्तों मूवी का नाम है सैम भी इस मूवी को 2022 के अंदर रिलीज़ किया गया था और यह एक ड्रामा और थ्रलर मूवी है यह मूवी जो थी वो एक साथ पाँच भाषा के अंदर रिलीज़ हुई है डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर जी हाँ दोस्तों ये मूवी एक साथ पाँच भाषा के अंदर आ चुकी है डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर तो आप इस मूवी को डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं वहाँ पर मूवी आपको हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ और मलयालम भाषा में देखने को मिलेंगी अब आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास जो है वो डिजनी प्लस की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी और वो लोग इन मूवी को फ्री में देखना चाह रहे होंगे तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ आप इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हो तो मूवी आपको बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी इसके अलावा बहुत सारे टेलीग्राम चैनल में यह मूवी आपको आसानी से मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को कहीं से भी देख सकते हैं चूंकि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता हूँ बाकी वो आपकी अपनी चॉइस है अगर हम बात करें मूवी के बारे में तो मूवी के अंदर ड्रामा और थ्रिलर देखने को मिलता है मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की निकल के आई थी जो आईएमडीबी है वहाँ पर इस मूवी को टेन आउट ऑफ सेवन पॉइंट सिक्स की रेटिंग मिली थी इसके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर थ्री स्टार मिले थे और नाइन्टी फोर परसेंट लोगों ने इस मूवी को लैक्स दिया था गूगल की तरफ से तो यहाँ पर इस मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की थी इससे ही आपको मालूम पड़ गया होगा कि मूवी की कहानी काफ़ी दमदार होने वाली है अगर हम बात करें मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रभु सोलोमन ने जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं इनकी मूवीज़ काफ़ी हटके होती है इन्होंने पहले भी जो है वो कहाडन कुमकी थधारी महीना काहल जैसी कमाल की मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी यूनिक रही थी और उनकी मूवीज दोस्तों काफ़ी अच्छी भी होती हैं अगर हम इस मूवी के मुख्य किरदार के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर अश्विन कुमार कोवैसरला नानजी संपत, थाम्बी और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार रकावट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों आप में से बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी हिट रही थी तो बॉप रही थी तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ कि इस मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और ये एक हिट मूवी साबित हुई थी चलिए हम बात करते हैं कि मूवी की जो कहानी है वो किस तरह की है और इस मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी जो है देखने को मिलेंगी और हमें इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं तो दोस्तों पहली बात तो आपको इस मूवी को ज़रूर देखना चाहिए इस मूवी की स्टोरी जो है काफ़ी कमाल की है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको बहुत सारे अच्छे और बेहतरीन सीन भी देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें तो इस मूवी की जो कहानी है वो अंबु नाम की एक बस अपने 24 यात्रियों की कहानी सुनाते हैं जो कि कोडाइनाल से डिंडोगुल तक की यात्रा की एक झलक देती है कोबे सरला और उसके पोती सुखी जीवन जीती है लेकिन वे पुलिस के जाल में फंस जाते हैं और उनके साथ एक बहुत ही बड़ा तगड़ा स्कैम होता है जो गुना उन्होंने किया ही नहीं था उनकी सजा उनको मिलने वाली थी पढ़ा लिखा युवक दिन दुखिया की मदद करता है और अनजाने में ही दुश्मन बना लेते हैं मूवी के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर एक ऐसे बंदे का भी है जो कि किसी की मदद करना चाहता था पर मदद करने के चक्कर में उसने अपने ऊपर ही बहुत ही बड़ा जोखिम उठा लिया होता है इस मूवी का क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का है स्टोरी लाइन काफ़ी कमाल की है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को मिस मत कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएंगी मैं आप सभी को बता दूँ मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर मिलेंगी आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं इसके अलावा मूवी बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट्स पर भी अवेलेबल हैं तो आप इस मूवी को वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं इस मूवी का दोस्तों क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का था जो आप सभी को ज़रूर अच्छा लगेगा अगर हम इस मूवी के हिंदी टेलीविज़न प्रीमियर के बारे में बात करें तो इस मूवी का जो हिंदी टेलीविज़न प्रीमियर है वो आप सभी को देखने को मिलने वाला है स्टार गोल्ड पर जी हाँ दोस्तों इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिलेगा यह मूवी अब, अब आपको लगभग एक से दो महीने के अंदर ही स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को टीवी पर भी देख पाएंगे तो काफ़ी सही मूवी है टीवी पर आए तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा मूवी दोस्तों आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है चलिए हम बात कर लेते हैं आगे जो है वो इस मूवी के बारे में कि मूवी के अंदर आपको क्या ऐसा खास देखने को मिलता है तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर लॉयर होते हैं उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी शानदार लगी जो कि भाई दिल को छू गए उनकी एक्टिंग इसके अलावा भी इन्होंने जो यहाँ पर किरदार जिनका है वो काफ़ी कमाल का मुझे लगा तो ओवरऑल मूवी काफ़ी सही है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिए मूवी आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी इस मूवी के अंदर जितने भी कलाकार हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है जो आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है आज हम यहाँ पर एक और कमाल की और धमाकेदार मूवी के बारे में बात करेंगे जो कि दोस्तों आपके दिल को छू छूलेंगी तो काफ़ी कमाल की मूवी है साथ में ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो और इस मूवी को जानना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है जो आप सभी को शायद ज़रूर पसंद आएंगी तो काफ़ी कमाल की मूवी है और इस मूवी को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी मैं आप सभी को बता दूँ कि मूवी जो है वो सत्य घटना पर आधारित है ऐसी घटना पहले भी घट चुकी है तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में दोस्तों मूवी का नाम है सैम भी इस मूवी को 2022 के अंदर रिलीज़ किया गया था और यह एक ड्रामा और थ्रिलर मूवी है यह मूवी जो थी वो एक साथ पाँच भाषा के अंदर रिलीज़ हुई है डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जी हाँ दोस्तों ये मूवी एक साथ पाँच भाषा के अंदर आ चुकी है डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर तो आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं वहाँ पर मूवी आपको हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ और मलयालम भाषा में देखने को मिलेंगी अब आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास जो है वो डिजनी प्लस की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी और वो लोग इन मूवी को फ्री में देखना चाह रहे होंगे तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ आप इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हो तो मूवी आपको बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी इसके अलावा बहुत सारे टेलीग्राम चैनल में यह मूवी आपको आसानी से मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को कहीं से भी देख सकते हैं चूंकि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता हूँ बाकी वो आपकी अपनी चॉइस है अगर हम बात करें मूवी के बारे में तो मूवी के अंदर ड्रामा और थ्रिलर देखने को मिलता है मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की निकल के आई थी जो आईएमडीबी है वहाँ पर इस मूवी को टेन आउट ऑफ सेवन पॉइंट सिक्स की रेटिंग मिली थी इसके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर थ्री स्टार मिले थे और नाइन्टी फोर परसेंट लोगों ने इस मूवी को लैक्स दिया था गूगल की तरफ से तो यहाँ पर इस मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की थी इससे ही आपको मालूम पड़ गया होगा कि मूवी की कहानी काफ़ी दमदार होने वाली है अगर हम बात करें मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रभु सोलोमन ने जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं इनकी मूवीज़ काफ़ी हटके होती है इन्होंने पहले भी जो है वो कहाडन कुमकी थधारी महीना काहल जैसी कमाल की मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी यूनिक रही थी और उनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी अच्छी भी होती हैं अगर हम इस मूवी के मुख्य किरदार के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर अश्विन कुमार कोवैसरला नानजी संपत, थाम्बी और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कहा इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों आप में से बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी हिट रही थी तो बॉप रही थी तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ कि इस मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और ये एक हिट मूवी साबित हुई थी चलिए हम बात करते हैं कि मूवी की जो कहानी है वो किस तरह की है और इस मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी जो है देखने को मिलेंगी और हमें इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं तो दोस्तों पहली बात तो आपको इस मूवी को ज़रूर देखना चाहिए इस मूवी की स्टोरी जो है काफ़ी कमाल की है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको बहुत सारे अच्छे और बेहतरीन सीन भी देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें तो इस मूवी की जो कहानी है वो अंबु नाम की एक बस अपने 24 यात्रियों की कहानी सुनाते हैं जो कि कोडाइनाल से डिंडोगुल तक की यात्रा की एक झलक देती है कोबे सरला और उसके पोती सुखी जीवन जीती है लेकिन वे पुलिस के जाल में फंस जाते हैं और उनके साथ एक बहुत ही बड़ा तगड़ा स्कैम होता है जो गुना उन्होंने किया ही नहीं था उनकी सजा उनको मिलने वाली थी पढ़ा लिखा युवक दिन दुखिया की मदद करता है और अनजाने में ही दुश्मन बना लेते हैं मूवी के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर एक ऐसे बंदे का भी है जो कि किसी की मदद करना चाहता था पर मदद करने के चक्कर में उसने अपने ऊपर ही बहुत ही बड़ा जोखिम उठा लिया होता है इस मूवी का क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का है स्टोरी लाइन काफ़ी कमाल की है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को मिस मत कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएँगी मैं आप सभी को बता दूँ मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर मिलेंगी आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं इसके अलावा मूवी बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट्स पर भी अवेलेबल हैं तो आप इस मूवी को वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं इस मूवी का दोस्तों क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का था जो आप सभी को ज़रूर अच्छा लगेगा अगर हम इस मूवी के हिंदी टेलीविज़न प्रीमियर के बारे में बात करें तो इस मूवी का जो हिंदी टेलीविज़न प्रीमियर है वो आप सभी को देखने को मिलने वाला है स्टार गोल्ड पर जी हाँ दोस्तों इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिलेगा यह मूवी अब -ब -ब आपको लगभग एक से दो महीने के अंदर ही स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को टीवी पर भी देख पाएंगे तो काफ़ी सही मूवी है टीवी पर आए तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा मूवी दोस्तों आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है चलिए हम बात कर लेते हैं आगे जो है वो इस मूवी के बारे में कि मूवी के अंदर आपको क्या ऐसा ख़ास देखने को मिलता है तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर लॉयर होते हैं उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी शानदार लगी जो कि भाई दिल को छू गए उनकी एक्टिंग इसके अलावा भी इन्होंने जो यहाँ पर किरदार जिनका है वो काफ़ी कमाल का मुझे लगा तो ओवरऑल मूवी काफ़ी सही है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिए मूवी आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी इस मूवी के अंदर जितने भी कलाकार हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है जो आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है आज हम यहाँ पर एक और कमाल की और धमाकेदार मूवी के बारे में बात करेंगे जो कि दोस्तों आपके दिल को छू लेंगी तो काफ़ी कमाल की मूवी है साथ में ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो और इस मूवी को जानना चाहते हो तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है जो आप सभी को शायद ज़रूर पसंद आएंगी तो काफ़ी कमाल की मूवी है और इस मूवी को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी मैं आप सभी को बता दूँ कि ये मूवी जो है वो सत्य घटना पर आधारित है ऐसी घटना पहले भी घट चुकी है तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में दोस्तों मूवी का नाम है सैम भी इस मूवी को 2022 के अंदर रिलीज़ किया गया था और यह एक ड्रामा और थ्रलर मूवी है यह मूवी जो थी वो एक साथ पाँच भाषा के अंदर रिलीज़ हुई है डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जी हाँ दोस्तों ये मूवी एक साथ पाँच भाषा के अंदर आ चुकी है डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर तो आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं वहाँ पर मूवी आपको हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ और मलयालम भाषा में देखने को मिलेंगी अब आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास जो है वो डिजनी प्लस की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी और वो लोग इन मूवी को फ्री में देखना चाह रहे होंगे तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ आप इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हो तो मूवी आपको बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी इसके अलावा बहुत सारे टेलीग्राम चैनल में यह मूवी आपको आसानी से मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को कहीं से भी देख सकते हैं चूँकि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता हूँ बाकी वो आपकी अपनी चॉइस है अगर हम बात करें मूवी के बारे में तो मूवी के अंदर ड्रामा और थ्रिलर देखने को मिलता है मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की निकल के आई थी जो आई है वहाँ पर इस मूवी को टेन आउट ऑफ सेवन पॉइंट सिक्स की रेटिंग मिली थी इसके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर थ्री स्टार मिले थे और नाइन्टी फोर परसेंट लोगों ने इस मूवी को लैक्स दिया था गूगल की तरफ से तो यहाँ पर इस मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की थी इससे ही आपको मालूम पड़ गया होगा कि मूवी की कहानी काफ़ी दमदार होने वाली है अगर हम बात करें मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रभु सोलोमन ने जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं इनकी मूवीज़ काफ़ी हटके होती है इन्होंने पहले भी जो है वो कहाडन कुमकी थधारी महीना काहल जैसी कमाल की मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी यूनिक रही थी और उनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी अच्छी भी होती हैं अगर हम इस मूवी के मुख्य किरदार के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर अश्विन कुमार कोवैसरला नानजी संपत, थाम्बी और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार रकावट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों आप में से बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी हिट रही थी तो बॉप रही थी तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ कि इस मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और ये एक हिट मूवी साबित हुई थी चलिए हम बात करते हैं कि मूवी की जो कहानी है वो किस तरह की है और इस मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी जो है देखने को मिलेंगी और हमें इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं तो दोस्तों पहली बात तो आपको इस मूवी को ज़रूर देखना चाहिए इस मूवी की स्टोरी जो है काफ़ी कमाल की है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको बहुत सारे अच्छे और बेहतरीन सीन भी देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें तो इस मूवी की जो कहानी है वो अंबु नाम की एक बस अपने 24 यात्रियों की कहानी सुनाते हैं जो कि कोडाइनाल से डिंडोगुल तक की यात्रा की एक झलक देती है कोबे सरला और उसके पोती सुखी जीवन जीती है लेकिन वे पुलिस के जाल में फंस जाते हैं और उनके साथ एक बहुत ही बड़ा तगड़ा स्कैम होता है जो गुना उन्होंने किया ही नहीं था उनकी सजा उनको मिलने वाली थी पढ़ा लिखा युवक दिन दुखिया की मदद करता है और अनजाने में ही दुश्मन बना लेते हैं मूवी के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर एक ऐसे बंदे का भी है जो कि किसी की मदद करना चाहता था पर मदद करने के चक्कर में उसने अपने ऊपर ही बहुत ही बड़ा जोखिम उठा लिया होता है इस मूवी का क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का है स्टोरी लाइन काफ़ी कमाल की है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को मिस मत कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएँगी मैं आप सभी को बता दूँ मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर मिलेंगी आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं इसके अलावा मूवी बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट्स पर भी अवेलेबल हैं तो आप इस मूवी को वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं इस मूवी का दोस्तों क्लाइमेक्स काफ़ी गजब का था जो आप सभी को ज़रूर अच्छा लगेगा अगर हम इस मूवी के हिंदी टेलीविज़न प्रीमियर के बारे में बात करें तो इस मूवी का जो हिंदी टेलीविज़न प्रीमियर है वो आप सभी को देखने को मिलने वाला है स्टार गोल्ड पर जी हाँ दोस्तों इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिलेगा यह मूवी अब अब आप आपको लगभग एक से दो महीने के अंदर ही स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को टीवी पर भी देख पाएंगे तो काफ़ी सही मूवी है टीवी पर आए तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा मूवी दोस्तों आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है चलिए हम बात कर लेते हैं आगे जो है वो इस मूवी के बारे में कि मूवी के अंदर आपको क्या ऐसा ख़ास देखने को मिलता है तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर लॉयर होते हैं उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी शानदार लगी जो कि भाई दिल को छू गए उनकी एक्टिंग इसके अलावा भी इन्होंने जो यहाँ पर किरदार जिनका है वो काफ़ी कमाल का मुझे लगा तो ओवरऑल मूवी काफ़ी सही है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिए मूवी आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी इस मूवी के अंदर जितने भी कलाकार हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है जो आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है आज हम यहाँ पर एक और कमाल की और धमाकेदार मूवी के बारे में बात करेंगे जो कि दोस्तों आपके दिल को छू छूलेंगी तो काफ़ी कमाल की मूवी है साथ में ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो और इस मूवी को जानना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है जो आप सभी को शायद ज़रूर पसंद आएगी तो काफ़ी कमाल की मूवी है और इस मूवी को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी मैं आप सभी को बता दूँ कि ये मूवी जो है वो सत्य घटना पर आधारित है ऐसी घटना पहले भी घट चुकी है तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में दोस्तों मूवी का नाम है सैम भी इस मूवी को 2022 के अंदर रिलीज़ किया गया था और यह एक ड्रामा और थ्रिलर मूवी है यह मूवी जो थी वो एक साथ पाँच भाषा के अंदर रिलीज़ हुई है डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जी हाँ दोस्तों ये मूवी एक साथ पाँच भाषा के अंदर आ चुकी है डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर तो आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं वहाँ पर मूवी आपको हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ और मलयालम भाषा में देखने को मिलेंगी अब आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास जो है वो डिजनी प्लस की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी और वो लोग इन मूवी को फ्री में देखना चाह रहे होंगे तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ आप इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हो तो मूवी आपको बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी इसके अलावा बहुत सारे टेलीग्राम चैनल में यह मूवी आपको आसानी से मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को कहीं से भी देख सकते हैं चूंकि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता हूँ बाकी वो आपकी अपनी चॉइस है अगर हम बात करें मूवी के बारे में तो मूवी के अंदर ड्रामा और थ्रिलर देखने को मिलता है मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की निकल के आई थी जो आई है वहाँ पर इस मूवी को टेन आउट ऑफ सेवन पॉइंट सिक्स की रेटिंग मिली थी इसके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर थ्री स्टार मिले थे और नाइन्टी फोर परसेंट लोगों ने इस मूवी को लैक्स दिया था गूगल की तरफ से तो यहाँ पर इस मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की थी इससे ही आपको मालूम पड़ गया होगा कि मूवी की कहानी काफ़ी दमदार होने वाली है अगर हम बात करें मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रभु सोलोमन ने जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं इनकी मूवीज़ काफ़ी हटके होती है इन्होंने पहले भी जो है वो कहाडन कुमकी थधारी महीना काहल जैसी कमाल की मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी यूनिक रही थी और उनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी अच्छी भी होती हैं अगर हम इस मूवी के मुख्य किरदार के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर अश्विन कुमार कोवैसरला नानजी संपत थाम्बी और भी यहाँ पर बहुत सारे शांवट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों आप में से बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी हिट रही थी तो बॉप रही थी तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ कि इस मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और ये एक हिट मूवी साबित हुई थी चलिए हम बात करते हैं कि मूवी की जो कहानी है वो किस तरह की है और इस मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी जो है देखने को मिलेंगी और हमें इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं तो दोस्तों पहली बात तो आपको इस मूवी को ज़रूर देखना चाहिए इस मूवी की स्टोरी जो है काफ़ी कमाल की है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको बहुत सारे अच्छे और बेहतरीन सीन भी देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें तो इस मूवी की जो कहानी है वो अंबु नाम की एक बस अपने 24 यात्रियों की कहानी सुनाते हैं जो कि कोडाइनाल से डिंडोगुल तक की यात्रा की एक झलक देती है कोवे सरला और उसके पोती सुखी जीवन जीती है लेकिन वे पुलिस के जाल में फंस जाते हैं और उनके साथ एक बहुत ही बड़ा तगड़ा स्कैम होता है जो गुना उन्होंने किया ही नहीं था उनकी सजा उनको मिलने वाली थी पढ़ा लिखा युवक दिन दुखिया की मदद करता है और अनजाने में ही दुश्मन बना लेते हैं मूवी के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर एक ऐसे बंदे का भी है जो कि किसी की मदद करना चाहता था पर मदद करने के चक्कर में उसने अपने ऊपर ही बहुत ही बड़ा जोखिम उठा लिया होता है इस मूवी का क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का है स्टोरी लाइन काफ़ी कमाल की है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को मिस मत कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएँगी मैं आप सभी को बता दूँ मूवी आपको डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर मिलेंगी आप इस मूवी को डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं इसके अलावा मूवी बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट्स पर भी अवेलेबल हैं तो आप इस मूवी को वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं इस मूवी का दोस्तों क्लाइमेक्स काफ़ी गजब का था जो आप सभी को ज़रूर अच्छा लगेगा अगर हम इस मूवी के हिंदी टेलीविज़न प्रीमियर के बारे में बात करें तो इस मूवी का जो हिंदी टेलीविज़न प्रीमियर है वो आप सभी को देखने को मिलने वाला है स्टार गोल्ड पर जी हाँ दोस्तों इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिलेगा यह मूवी अब अब आप आपको लगभग एक से दो महीने के अंदर ही स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को टीवी पर भी देख पाएंगे तो काफ़ी सही मूवी है टीवी पर आए तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा मूवी दोस्तों आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है चलिए हम बात कर लेते हैं आगे जो है वो इस मूवी के बारे में कि मूवी के अंदर आपको क्या ऐसा ख़ास देखने को मिलता है तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर लॉयर होते हैं उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी शानदार लगी जो कि भाई दिल को छू गए उनकी एक्टिंग इसके अलावा भी इन्होंने जो यहाँ पर किरदार जिनका है वो काफ़ी कमाल का मुझे लगा तो ओवरऑल मूवी काफ़ी सही है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिए मूवी आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी इस मूवी के अंदर जितने भी कलाकार हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है जो आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है आज हम यहाँ पर एक और कमाल की और धमाकेदार मूवी के बारे में बात करेंगे जो कि दोस्तों आपके दिल को छू छूलेंगी तो काफ़ी कमाल की मूवी है साथ में ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो और इस मूवी को जानना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है जो आप सभी को शायद ज़रूर पसंद आएंगी तो काफ़ी कमाल की मूवी है और इस मूवी को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी मैं आप सभी को बता दूँ कि ये मूवी जो है वो सत्य घटना पर आधारित है ऐसी घटना पहले भी घट चुकी है तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में दोस्तों मूवी का नाम है सैम भी इस मूवी को 2022 के अंदर रिलीज़ किया गया था और यह एक ड्रामा और थ्रिलर मूवी है यह मूवी जो थी वो एक साथ पाँच भाषा के अंदर रिलीज़ हुई है डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जी हाँ दोस्तों ये मूवी एक साथ पाँच भाषा के अंदर आ चुकी है डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर तो आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं वहाँ पर मूवी आपको हिंदी तमिल तेलुगू कन्नड़ और मलयालम भाषा में देखने को मिलेंगी अब आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास जो है वो डिजनी प्लस की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी और वो लोग इन मूवी को फ्री में देखना चाह रहे होंगे तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ आप इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हो तो मूवी आपको बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी इसके अलावा बहुत सारे टेलीग्राम चैनल में यह मूवी आपको आसानी से मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को कहीं से भी देख सकते हैं चूँकि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता हूँ बाकी वो आपकी अपनी चॉइस है अगर हम बात करें मूवी के बारे में तो मूवी के अंदर ड्रामा और थ्रिलर देखने को मिलता है मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की निकल के आई थी जो आई है वहाँ पर इस मूवी को टेन आउट ऑफ सेवन पॉइंट सिक्स की रेटिंग मिली थी इसके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर थ्री स्टार मिले थे और नाइन्टी फोर परसेंट लोगों ने इस मूवी को लैक्स दिया था गूगल की तरफ से तो यहाँ पर इस मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की थी इससे ही आपको मालूम पड़ गया होगा कि मूवी की कहानी काफ़ी दमदार होने वाली है अगर हम बात करें मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रभु सोलोमन ने जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं इनकी मूवीज़ काफ़ी हटके होती है इन्होंने पहले भी जो है वो कहाडन कुमकी थधारी महीना काहल जैसी कमाल की मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी यूनिक रही थी और उनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी अच्छी भी होती हैं अगर हम इस मूवी के मुख्य किरदार के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर अश्विन कुमार कोवैसरला नानजी संपत थाम्बी और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार शांवट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों आप में से बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी हिट रही थी तो फ्लॉप रही थी तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ कि इस मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और ये एक हिट मूवी साबित हुई थी चलिए हम बात करते हैं कि मूवी की जो कहानी है वो किस तरह की है और इस मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी जो है देखने को मिलेंगी और हमें इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं तो दोस्तों पहली बात तो आपको इस मूवी को ज़रूर देखना चाहिए इस मूवी की स्टोरी जो है काफ़ी कमाल की है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको बहुत सारे अच्छे और बेहतरीन सीन भी देखने को मिलते हैं तो अगर हम बात करें तो इस मूवी की जो कहानी है वो अम्बू नाम की एक बस अपने 24 यात्रियों की कहानी सुनाते हैं जो कि कोडाइनाल से डिंडोगुल तक की यात्रा की एक झलक देती है कोवे सरला और उसके पोती सुखी जीवन जीती है लेकिन वे पुलिस के जाल में फंस जाते हैं और उनके साथ एक बहुत ही बड़ा तगड़ा स्कैम होता है जो गुना उन्होंने किया ही नहीं था उनकी सजा उनको मिलने वाली थी पढ़ा लिखा युवक दिन दुखिया की मदद करता है और अनजाने में ही दुश्मन बना लेते हैं मूवी के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर एक ऐसे बंदे का भी है जो कि किसी की मदद करना चाहता था पर मदद करने के चक्कर में उसने अपने ऊपर ही बहुत ही बड़ा जोखिम उठा लिया होता है इस मूवी का क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का है स्टोरी लाइन काफ़ी कमाल की है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को मिस मत कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएँगी मैं आप सभी को बता दूँ मूवी आपको डिजनी प्लस ऑफस्टार के ऑफिशियल ऐप पर मिलेंगी आप इस मूवी को डिजनी प्लस ऑफ स्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं इसके अलावा मूवी बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट्स पर भी अवेलेबल हैं तो आप इस मूवी को वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं इस मूवी का दोस्तों क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का था जो आप सभी को ज़रूर अच्छा लगेगा अगर हम इस मूवी के हिंदी टेलीविज़न प्रीमियर के बारे में बात करें तो इस मूवी का जो हिंदी टेलीविज़न प्रीमियर है वो आप सभी को देखने को मिलने वाला है स्टार गोल्ड पर जी हाँ दोस्तों इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिलेगा यह मूवी अब आपको लगभग एक से दो महीने के अंदर ही स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को टी पर भी देख पाएंगे तो काफ़ी सही मूवी है टी पर आए तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा मूवी दोस्तों आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है चलिए हम बात कर लेते हैं आगे जो है वो इस मूवी के बारे में कि मूवी के अंदर आपको क्या ऐसा ख़ास देखने को मिलता है तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर लॉयर होते हैं उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी शानदार लगी जो कि भाई दिल को छू गए उनकी एक्टिंग इसके अलावा इन्होंने जो यहाँ पर किरदार जिनका है वो काफ़ी कमाल का मुझे लगा तो ओवरऑल मूवी काफ़ी सही है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिए मूवी आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी इस मूवी के अंदर जितने भी कलाकार हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है जो आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है आज हम यहाँ पर एक और कमाल की और धमाकेदार मूवी के बारे में बात करेंगे जो कि दोस्तों आपके दिल को छू छूलेंगी तो काफ़ी कमाल की मूवी है साथ में ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो और इस मूवी को जानना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है जो आप सभी को शायद ज़रूर पसंद आएगी तो काफ़ी कमाल की मूवी है और इस मूवी को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी मैं आप सभी को बता दूँ ये मूवी जो है वो सत्य घटना पर आधारित है ऐसी घटना पहले भी घट चुकी है तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में दोस्तों मूवी का नाम है सैम भी इस मूवी को 2022 के अंदर रिलीज़ किया गया था और यह एक ड्रामा और थ्रिलर मूवी है यह मूवी जो थी वो एक साथ पाँच भाषा के अंदर रिलीज़ हुई है डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर जी हाँ दोस्तों ये मूवी एक साथ पाँच भाषा के अंदर आ चुकी है डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर तो आप इस मूवी को डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं वहाँ पर मूवी आपको हिंदी तमिल तेलुगू कन्नड़ और मलयालम भाषा में देखने को मिलेंगी अब आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास जो है वो डिजनी प्लस की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी और वो लोग इन मूवी को फ्री में देखना चाह रहे होंगे तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ आप इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हो तो मूवी आपको बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी इसके अलावा बहुत सारे टेलीग्राम चैनल में यह मूवी आपको आसानी से मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को कहीं से भी देख सकते हैं चूँकि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता हूँ बाकी वो आपकी अपनी चॉइस है अगर हम बात करें मूवी के बारे में तो मूवी के अंदर ड्रामा और थ्रिलर देखने को मिलता है मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की निकल के आई थी जो आई है वहाँ पर इस मूवी को टेन आउट ऑफ सेवन पॉइंट सिक्स की रेटिंग मिली थी इसके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर थ्री स्टार मिले थे और नाइन्टी फोर परसेंट लोगों ने इस मूवी को लैक्स दिया था गूगल की तरफ से तो यहाँ पर इस मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की थी इससे ही आपको मालूम पड़ गया होगा कि मूवी की कहानी काफ़ी दमदार होने वाली है अगर हम बात करें मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रभु सोलोमन ने जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं इनकी मूवीज़ काफ़ी हटके होती है इन्होंने पहले भी जो है वो कहाडन कुमकी थधारी महीना काहल जैसी कमाल की मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी यूनिक रही थी और उनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी अच्छी भी होती हैं अगर हम इस मूवी के मुख्य किरदार के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर अश्विन कुमार कोवै सरला नानजी संपत, थाम्बी और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कावट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों आप में से बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी हिट रही थी तो प्रॉप रही थी तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इस मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था और ये एक हिट मूवी साबित हुई थी चलिए हम बात करते हैं कि मूवी की जो कहानी है वो किस तरह की है और इस मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी जो है देखने को मिलेंगी और हमें इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं तो दोस्तों पहली बात तो आपको इस मूवी को ज़रूर देखना चाहिए इस मूवी की स्टोरी जो है काफ़ी कमाल की है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको बहुत सारे अच्छी और बेहतरीन सीन भी देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें तो इस मूवी की जो कहानी है वो अंबु नाम की एक बस अपने 24 यात्रियों की कहानी सुनाते हैं जो कि कोडाइनाल से डिंडोगुल तक की यात्रा की एक झलक देती है कोवे सरला और उसके पोती सुखी जीवन जीती है लेकिन वे पुलिस के जाल में फंस जाते हैं और उनके साथ एक बहुत ही बड़ा तगड़ा स्कैम होता है जो गुना उन्होंने किया ही नहीं था उनकी सजा उनको मिलने वाली थी पढ़ा लिखा युवक दिन दुखिया की मदद करता है और अनजाने में ही दुश्मन बना लेते हैं मूवी के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर एक ऐसे बंदे का भी है जो कि किसी की मदद करना चाहता था पर मदद करने के चक्कर में उसने अपने ऊपर ही बहुत ही बड़ा जोखिम उठा लिया होता है इस मूवी का क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का है स्टोरी लाइन काफ़ी कमाल की है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को मिस मत कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएंगी मैं आप सभी को बता दूँ मूवी आपको डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर मिलेंगी आप इस मूवी को डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं इसके अलावा मूवी बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट्स पर भी अवेलेबल हैं तो आप इस मूवी को वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं इस मूवी का दोस्तों क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का था जो आप सभी को ज़रूर अच्छा लगेगा अगर हम इस मूवी के हिंदी टेलीविज़न प्रीमियर के बारे में बात करें तो इस मूवी का जो हिंदी टेलीविज़न प्रीमियर है वो आप सभी को देखने को मिलने वाला है स्टार गोल्ड पर जी हाँ दोस्तों इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिलेगा यह मूवी अब अब आप आपको लगभग एक से दो महीने के अंदर ही स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को टीवी पर भी देख पाएंगे तो काफ़ी सही मूवी है टीवी पर आए तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा मूवी दोस्तों आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है चलिए हम बात कर लेते हैं आगे जो है वो इस मूवी के बारे में कि मूवी के अंदर आपको क्या ऐसा ख़ास देखने को मिलता है तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर लॉयर होते हैं उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी शानदार लगी जो कि भाई दिल को छू गए उनकी एक्टिंग इसके अलावा इन्होंने जो यहाँ पर किरदार जिनका है वो काफ़ी कमाल का मुझे लगा तो ओवरऑल मूवी काफ़ी सही है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिए मूवी आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी इस मूवी के अंदर जितने भी कलाकार हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है जो आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है आज हम यहाँ पर एक और कमाल की और धमाकेदार मूवी के बारे में बात करेंगे जो कि दोस्तों आपके दिल को छू लेंगी तो काफ़ी कमाल की मूवी है साथ में ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो और इस मूवी को जानना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है जो आप सभी को शायद ज़रूर पसंद आएगी तो काफ़ी कमाल की मूवी है और इस मूवी को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी मैं आप सभी को बता दूँ कि ये मूवी जो है वो सत्य घटना पर आधारित है ऐसी घटना पहले भी घट चुकी है तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में दोस्तों मूवी का नाम है सैम भी इस मूवी को 2022 के अंदर रिलीज़ किया गया था और यह एक ड्रामा और थ्रिलर मूवी है यह मूवी जो थी वो एक साथ पाँच भाषा के अंदर रिलीज़ हुई है डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर जी हाँ दोस्तों यह मूवी एक साथ पाँच भाषा के अंदर आ चुकी है डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर तो आप इस मूवी को डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं वहाँ पर मूवी आपको हिंदी तमिल तेलुगू कन्नड़ और मलयालम भाषा में देखने को मिलेंगी अब आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास जो है वो डिजनी प्लस की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी और वो लोग इन मूवी को फ्री में देखना चाह रहे होंगे तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ आप इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हो तो मूवी आपको बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी इसके अलावा बहुत सारे टेलीग्राम चैनल में यह मूवी आपको आसानी से मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को कहीं से भी देख सकते हैं चूँकि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता हूँ बाकी वो आपकी अपनी चॉइस है अगर हम बात करें मूवी के बारे में तो मूवी के अंदर ड्रामा और थ्रिलर देखने को मिलता है मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की निकल के आई थी जो आई है वहाँ पर इस मूवी को टेन आउट ऑफ सेवन पॉइंट सिक्स की रेटिंग मिली थी इसके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर थ्री स्टार मिले थे और नाइन्टी फोर परसेंट लोगों ने इस मूवी को लैक्स दिया था गूगल की तरफ से तो यहाँ पर इस मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की थी इससे ही आपको मालूम पड़ गया होगा कि मूवी की कहानी काफ़ी दमदार होने वाली है अगर हम बात करें मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रभु सोलोमन ने जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं इनकी मूवीज़ काफ़ी हटके होती है इन्होंने पहले भी जो है वो कहाडन कुमकी थधारी महीना काहल जैसी कमाल की मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी यूनिक रही थी और उनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी अच्छी भी होती हैं अगर हम इस मूवी के मुख्य किरदार के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर अश्विन कुमार कोवैसरला नानजी संपत थाम्बी और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों आप में से बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी हिट रही थी तो प्रॉप रही थी तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ कि इस मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और ये एक हिट मूवी साबित हुई थी चलिए हम बात करते हैं कि मूवी की जो कहानी है वो किस तरह की है और इस मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी जो है देखने को मिलेंगी और हमें इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं तो दोस्तों पहली बात तो आपको इस मूवी को ज़रूर देखना चाहिए इस मूवी की स्टोरी जो है काफ़ी कमाल की है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको बहुत सारे अच्छे और बेहतरीन सीन भी देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें तो इस मूवी की जो कहानी है वो अंबु नाम की एक बस अपने 24 यात्रियों की कहानी सुनाते हैं जो कि कोडाइनाल से डिंडोगुल तक की यात्रा की एक झलक देती है कोवे सरला और उसके पोती सुखी जीवन जीती है लेकिन वे पुलिस के जाल में फंस जाते हैं और उनके साथ एक बहुत ही बड़ा तगड़ा स्कैम होता है जो गुना उन्होंने किया ही नहीं था उनकी सजा उनको मिलने वाली थी पढ़ा लिखा युवक दिन दुखिया की मदद करता है और अनजाने में ही दुश्मन बना लेते हैं मूवी के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर एक ऐसे बंदे का भी है जो कि किसी की मदद करना चाहता था पर मदद करने के चक्कर में उसने अपने ऊपर ही बहुत ही बड़ा जोखिम उठा लिया होता है इस मूवी का क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का है स्टोरी लाइन काफ़ी कमाल की है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को मिस मत कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएंगी मैं आप सभी को बता दूँ मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर मिलेंगी आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं इसके अलावा मूवी बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट्स पर भी अवेलेबल हैं तो आप इस मूवी को वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं इस मूवी का दोस्तों क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का था जो आप सभी को ज़रूर अच्छा लगेगा अगर हम इस मूवी के हिंदी टेलीविज़न प्रीमियर के बारे में बात करें तो इस मूवी का जो हिंदी टेलीविज़न प्रीमियर है वो आप सभी को देखने को मिलने वाला है स्टार गोल्ड पर जी हाँ दोस्तों इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिलेगा यह मूवी अब अब आपको लगभग एक से दो महीने के अंदर ही स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को टीवी पर भी देख पाएंगे तो काफ़ी सही मूवी है टीवी पर आए तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा मूवी दोस्तों आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है चलिए हम बात कर लेते हैं आगे जो है वो इस मूवी के बारे में कि मूवी के अंदर आपको क्या ऐसा ख़ास देखने को मिलता है तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर लॉयर होते हैं उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी शानदार लगी जो कि भाई दिल को छू गए उनकी एक्टिंग इसके अलावा भी इन्होंने जो यहाँ पर किरदार जिनका है वो काफ़ी कमाल का मुझे लगा तो ओवरऑल मूवी काफ़ी सही है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिए मूवी आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी इस मूवी के अंदर जितने भी कलाकार हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है जो आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है आज हम यहाँ पर एक और कमाल की और धमाकेदार मूवी के बारे में बात करेंगे जो कि दोस्तों आपके दिल को छू लेंगी तो काफ़ी कमाल की मूवी है साथ में ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो और इस मूवी को जानना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है जो आप सभी को शायद ज़रूर पसंद आएगी तो काफ़ी कमाल की मूवी है और इस मूवी को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी मैं आप सभी को बता दूँ कि मूवी जो है वो सत्य घटना पर आधारित है ऐसी घटना पहले भी घट चुकी है तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में दोस्तों मूवी का नाम है सैम भी इस मूवी को 2022 के अंदर रिलीज़ किया गया था और यह एक ड्रामा और थ्रिलर मूवी है यह मूवी जो थी वो एक साथ पाँच भाषा के अंदर रिलीज़ हुई है डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर जी हाँ दोस्तों ये मूवी एक साथ पाँच भाषा के अंदर आ चुकी है डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर तो आप इस मूवी को डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं वहाँ पर मूवी आपको हिंदी तमिल तेलुगू कन्नड़ और मलयालम भाषा में देखने को मिलेंगी अब आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास जो है वो डिजनी प्लस की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी और वो लोग इन मूवी को फ्री में देखना चाह रहे होंगे तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ आप इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हो तो मूवी आपको बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी इसके अलावा बहुत सारे टेलीग्राम चैनल में यह मूवी आपको आसानी से मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को कहीं से भी देख सकते हैं चूँकि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता हूँ बाकी वो आपकी अपनी चॉइस है अगर हम बात करें मूवी के बारे में तो मूवी के अंदर ड्रामा और थ्रिलर देखने को मिलता है मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की निकल के आई थी जो आई है वहाँ पर इस मूवी को टेन आउट ऑफ सेवन पॉइंट सिक्स की रेटिंग मिली थी इसके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर थ्री स्टार मिले थे और नाइन्टी फोर परसेंट लोगों ने इस मूवी को लैक्स दिया था गूगल की तरफ से तो यहाँ पर इस मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की थी इससे ही आपको मालूम पड़ गया होगा कि मूवी की कहानी काफ़ी दमदार होने वाली है अगर हम बात करें मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रभु सोलोमन ने जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं इनकी मूवीज़ काफ़ी हटके होती है इन्होंने पहले भी जो है वो कहाडन कुमकी तुधारी महीना काहल जैसी कमाल की मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी यूनिक रही थी और उनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी अच्छी भी होती हैं अगर हम इस मूवी के मुख्य किरदार के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर अश्विन कुमार कोवैसरला नानजी संपत थाम्बी और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार कहा इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों आप में से बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी हिट रही थी तो फ्लॉप रही थी तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ कि इस मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और ये एक हिट मूवी साबित हुई थी चलिए हम बात करते हैं कि मूवी की जो कहानी है वो किस तरह की है और इस मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी जो है देखने को मिलेंगी और हमें इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं तो दोस्तों पहली बात तो आपको इस मूवी को ज़रूर देखना चाहिए इस मूवी की स्टोरी जो है काफ़ी कमाल की है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको बहुत सारे अच्छे और बेहतरीन सीन भी देखने को मिलते हैं तो अगर हम बात करें तो इस मूवी की जो कहानी है वो अंबु नाम की एक बस अपने 24 यात्रियों की कहानी सुनाते हैं जो कि कोडाइनाल से डिंडोगुल तक की यात्रा की एक झलक देती है कोवे सरला और उसके पोती सुखी जीवन जीती है लेकिन वे पुलिस के जाल में फंस जाते हैं और उनके साथ एक बहुत ही बड़ा तगड़ा स्कैम होता है जो गुना उन्होंने किया ही नहीं था उनकी सजा उनको मिलने वाली थी पढ़ा लिखा युवक दिन दुखिया की मदद करता है और अनजाने में ही दुश्मन बना लेते हैं मूवी के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर एक ऐसे बंदे का भी है जो कि किसी की मदद करना चाहता था पर मदद करने के चक्कर में उसने अपने ऊपर ही बहुत ही बड़ा जोखिम उठा लिया होता है इस मूवी का क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का है स्टोरी लाइन काफ़ी कमाल की है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को मिस मत कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को एक बार जरूर देखिए मूवी आप सभी को जरूर पसंद आएँगी मैं आप सभी को बता दूँ मूवी आपको डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर मिलेंगी आप इस मूवी को डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं इसके अलावा मूवी बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट्स पर भी अवेलेबल है तो आप इस मूवी को वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं इस मूवी का दोस्तों क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का था जो आप सभी को जरूर अच्छा लगेगा अगर हम इस मूवी के हिंदी टेलीविज़न प्रीमियर के बारे में बात करें तो इस मूवी का जो हिंदी टेलीविज़न प्रीमियर है वो आप सभी को देखने को मिलने वाला है स्टार गोल्ड पर जी हाँ दोस्तों इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिलेगा यह मूवी अब अब आपको लगभग एक से दो महीने के अंदर ही स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को टीवी पर भी देख पाएंगे तो काफ़ी सही मूवी है टीवी पर आए तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा मूवी दोस्तों आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है चलिए हम बात कर लेते हैं आगे जो है वो इस मूवी के बारे में कि मूवी के अंदर आपको क्या ऐसा ख़ास देखने को मिलता है तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर लॉयर होते हैं उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी शानदार लगी जो कि भाई दिल को छू गए उनकी एक्टिंग इसके अलावा भी इन्होंने जो यहाँ पर किरदार जिनका है वो काफ़ी कमाल का मुझे लगा तो ओवरऑल मूवी काफ़ी सही है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिए मूवी आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी इस मूवी के अंदर जितने भी कलाकार हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है जो आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है आज हम यहाँ पर एक और कमाल की और धमाकेदार मूवी के बारे में बात करेंगे जो कि दोस्तों आपके दिल को छू छूलेंगी तो काफ़ी कमाल की मूवी है साथ में ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो और इस मूवी को जानना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है जो आप सभी को शायद ज़रूर पसंद आएंगी तो काफ़ी कमाल की मूवी है और इस मूवी को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएंगी मैं आप सभी को बता दूँ कि ये मूवी जो है वो सत्य घटना पर आधारित है ऐसी घटना पहले भी घट चुकी है तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में दोस्तों मूवी का नाम है सैम भी इस मूवी को 2022 के अंदर रिलीज़ किया गया था और यह एक ड्रामा और थ्रिलर मूवी है यह मूवी जो थी वो एक साथ पाँच भाषा के अंदर रिलीज हुई है डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर जी हाँ दोस्तों ये मूवी एक साथ पाँच भाषा के अंदर आ चुकी है डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर तो आप इस मूवी को डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं वहाँ पर मूवी आपको हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ और मलयालम भाषा में देखने को मिलेंगी अब आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास जो है वो डिजनी प्लस की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी और वो लोग इन मूवी को फ्री में देखना चाह रहे होंगे तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ आप इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हो तो मूवी आपको बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी इसके अलावा बहुत सारे टेलीग्राम चैनल में यह मूवी आपको आसानी से मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को कहीं से भी देख सकते हैं चूँकि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता हूँ बाकी वो आपकी अपनी चॉइस है अगर हम बात करें मूवी के बारे में तो मूवी के अंदर ड्रामा और थ्रिलर देखने को मिलता है मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की निकल के आई थी जो आई है वहाँ पर इस मूवी को टेन आउट ऑफ सेवन पॉइंट सिक्स की रेटिंग मिली थी इसके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर थ्री स्टार मिले थे और नाइन्टी फोर परसेंट लोगों ने इस मूवी को लैक्स दिया था गूगल की तरफ से तो यहाँ पर इस मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की थी इससे ही आपको मालूम पड़ गया होगा कि मूवी की कहानी काफ़ी दमदार होने वाली है अगर हम बात करें मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रभु सोलोमन ने जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं इनकी मूवीज़ काफ़ी हटके होती है इन्होंने पहले भी जो है वो कहाडन कुमकी थुदारी महीना काहल जैसी कमाल की मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी यूनिक रही थी और उनकी मूवीज दोस्तों काफ़ी अच्छी भी होती हैं अगर हम इस मूवी के मुख्य किरदार के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर अश्विन कुमार कोवैसरला नानजी संपत थम्बी और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार रकावट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों आप में से बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी हिट रही थी तो बॉप रही थी तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ कि इस मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और ये एक हिट मूवी साबित हुई थी चलिए हम बात करते हैं कि मूवी की जो कहानी है वो किस तरह की है और इस मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी जो है देखने को मिलेंगी और हमें इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं तो दोस्तों पहली बात तो आपको इस मूवी को ज़रूर देखना, तो तो देखना चाहिए इस मूवी की स्टोरी जो है काफ़ी कमाल की है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको बहुत सारे अच्छे और बेहतरीन सीन भी देखने को मिलते हैं तो अगर हम बात करें तो इस मूवी की जो कहानी है वो अम्बू नाम की एक बस अपने 24 यात्रियों की कहानी सुनाते हैं जो कि कोडाइनाल से डिंडोगुल तक की यात्रा की एक झलक देती है कोवे सरला और उसके पोती सुखी जीवन जीती है लेकिन वे पुलिस के जाल में फंस जाते हैं और उनके साथ एक बहुत ही बड़ा तगड़ा स्कैम होता है जो गुना उन्होंने किया ही नहीं था उनकी सजा उनको मिलने वाली थी पढ़ा लिखा युवक दिन दुखिया की मदद करता है और अनजाने में ही दुश्मन बना लेते हैं मूवी के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर एक ऐसे बंदे का भी है जो कि किसी की मदद करना चाहता था पर मदद करने के चक्कर में उसने अपने ऊपर ही बहुत ही बड़ा जोखिम उठा लिया होता है इस मूवी का क्लाइमेक्स काफ़ी गजब का है स्टोरी लाइन काफ़ी कमाल की है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को मिस मत कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को एक बार जरूर देखिए मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएँगी मैं आप सभी को बता दूँ मूवी आपको डिजनी प्लस ऑफ्टेर के ऑफिशियल ऐप पर मिलेंगी आप इस मूवी को डिजनी प्लस ऑफ्टेर के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं इसके अलावा मूवी बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट्स पर भी अवेलेबल है तो आप इस मूवी को वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं इस मूवी का दोस्तों क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का था जो आप सभी को जरूर अच्छा लगेगा अगर हम इस मूवी के हिंदी टेलीविज़न प्रीमियर के बारे में बात करें तो इस मूवी का जो हिंदी टेलीविज़न प्रीमियर है वो आप सभी को देखने को मिलने वाला है स्टार गोल्ड पर जी हाँ दोस्तों इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिलेगा यह मूवी अब आपको लगभग एक से दो महीने के अंदर ही स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को टीवी पर भी देख पाएंगे तो काफ़ी सही मूवी है टीवी पर आए तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा मूवी दोस्तों आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है चलिए हम बात कर लेते हैं आगे जो है वो इस मूवी के बारे में कि मूवी के अंदर आपको क्या ऐसा ख़ास देखने को मिलता है तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर लॉयर होते हैं उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी शानदार लगी जो कि भाई दिल को छू गए उनकी एक्टिंग इसके अलावा भी इन्होंने जो यहाँ पर किरदार जिनका है वो काफ़ी कमाल का मुझे लगा तो ओवरऑल मूवी काफ़ी सही है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिए मूवी आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी इस मूवी के अंदर जितने भी कलाकार हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है जो आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है आज हम यहाँ पर एक और कमाल की और धमाकेदार मूवी के बारे में बात करेंगे जो कि दोस्तों आपके दिल को छू छूलेंगे तो काफ़ी कमाल की मूवी है साथ में ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो और इस मूवी को जानना चाहते हो तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है जो आप सभी को शायद ज़रूर पसंद आएगी तो काफ़ी कमाल की मूवी है और इस मूवी को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी मैं आप सभी को बता दूँ कि ये मूवी जो है वो सत्य घटना पर आधारित है ऐसी घटना पहले भी घट चुकी है तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में दोस्तों मूवी का नाम है सैम भी इस मूवी को 2022 के अंदर रिलीज़ किया गया था और यह एक ड्रामा और थ्रिलर मूवी है यह मूवी जो थी वो एक साथ पाँच भाषा के अंदर रिलीज हुई है डिजनी प्लस हॉफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर जी हाँ दोस्तों ये मूवी एक साथ पाँच भाषा के अंदर आ चुकी है डिजनी प्लस हॉफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर तो आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं वहाँ पर मूवी आपको हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ और मलयालम भाषा में देखने को मिलेंगी अब आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास जो है वो डिजनी प्लस की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी और वो लोग इन मूवी को फ्री में देखना चाह रहे होंगे तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ आप इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हो तो मूवी आपको बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी इसके अलावा बहुत सारे टेलीग्राम चैनल में यह मूवी आपको आसानी से मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को कहीं से भी देख सकते हैं चूंकि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता हूँ बाकी वो आपकी अपनी चॉइस है अगर हम बात करें मूवी के बारे में तो मूवी के अंदर ड्रामा और थ्रिलर देखने को मिलता है मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की निकल के आई थी जो आईएमडीबी है वहाँ पर इस मूवी को टेन आउट ऑफ सेवन पॉइंट सिक्स की रेटिंग मिली थी इसके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर थ्री स्टार मिले थे और नाइन्टी फोर परसेंट लोगों ने इस मूवी को लैक्स दिया था गूगल की तरफ से तो यहाँ पर इस मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की थी इससे ही आपको मालूम पड़ गया होगा कि मूवी की कहानी काफ़ी दमदार होने वाली है अगर हम बात करें मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रभु सोलोमन ने जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं इनकी मूवीज़ काफ़ी हटके होती है इन्होंने पहले भी जो है वो कहाडन कुमकी थधारी महीना काहल जैसी कमाल की मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी यूनिक रही थी और उनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी अच्छी भी होती हैं अगर हम इस मूवी के मुख्य किरदार के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर अश्विन कुमार कोवैसर नानजी संपत, थाम्बी और भी यहाँ पर बहुत सारे शांदर इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों आप में से बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी हिट रही थी तो बॉप रही थी तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ कि इस मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और ये एक हिट मूवी साबित हुई थी चलिए हम बात करते हैं कि मूवी की जो कहानी है वो किस तरह की है और इस मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी जो है देखने को मिलेंगी और हमें इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं तो दोस्तों पहली बात तो आपको इस मूवी को ज़रूर देखना चाहिए इस मूवी की स्टोरी जो है काफ़ी कमाल की है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको बहुत सारे अच्छे और बेहतरीन सीन भी देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें तो इस मूवी की जो कहानी है वो अम्बू नाम की एक बस अपने 24 यात्रियों की कहानी सुनाते हैं जो कि कोडाइनाल से डिंडोगुल तक की यात्रा की एक झलक देती है कोवे सरला और उसके पोती सुखी जीवन जीती है लेकिन वे पुलिस के जाल में फंस जाते हैं और उनके साथ एक बहुत ही बड़ा तगड़ा स्कैम होता है जो गुना उन्होंने किया ही नहीं था उनकी सजा उनको मिलने वाली थी पढ़ा लिखा युवक दिन दुखिया की मदद करता है और अनजाने में ही दुश्मन बना लेते हैं मूवी के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर एक ऐसे बंदे का भी है जो कि किसी की मदद करना चाहता था पर मदद करने के चक्कर में उसने अपने ऊपर ही बहुत ही बड़ा जोखिम उठा लिया होता है इस मूवी का क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का है स्टोरी लाइन काफ़ी कमाल की है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को मिस मत कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएँगी मैं आप सभी को बता दूँ मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर मिलेंगी आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं इसके अलावा मूवी बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट्स पर भी अवेलेबल हैं तो आप इस मूवी को वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं इस मूवी का दोस्तों क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का था जो आप सभी को ज़रूर अच्छा लगेगा अगर हम इस मूवी के हिंदी टेलीविज़न थी प्रीमियर के बारे में बात करें तो इस मूवी का जो हिंदी टेलीविज़न प्रीमियर है वो आप सभी को देखने को मिलने वाला है स्टार गोल्ड पर जी हाँ दोस्तों इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिलेगा यह मूवी अब अब आपको लगभग एक से दो महीने के अंदर ही स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को टीवी पर भी देख पाएंगे तो काफ़ी सही मूवी है टीवी पर आए तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा मूवी दोस्तों आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है चलिए हम बात कर लेते हैं आगे जो है वो इस मूवी के बारे में कि मूवी के अंदर आपको क्या ऐसा ख़ास देखने को मिलता है तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर लॉयर होते हैं उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी शानदार लगी जो कि भाई दिल को छू गए उनकी एक्टिंग इसके अलावा भी इन्होंने जो यहाँ पर किरदार जिनका है वो काफ़ी कमाल का मुझे लगा तो ओवरऑल मूवी काफ़ी सही है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिए मूवी आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी इस मूवी के अंदर जितने भी कलाकार हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है जो आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है आज हम यहाँ पर एक और कमाल की और धमाकेदार मूवी के बारे में बात करेंगे जो कि दोस्तों आपके दिल को छू छूलेंगी तो काफ़ी कमाल की मूवी है साथ में ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो और इस मूवी को जानना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है जो आप सभी को शायद ज़रूर पसंद आएंगी तो काफ़ी कमाल की मूवी है और इस मूवी को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएंगी मैं आप सभी को बता दूँ ये मूवी जो है वो सत्य घटना पर आधारित है ऐसी घटना पहले भी घट चुकी है तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में दोस्तों मूवी का नाम है सैम भी इस मूवी को 2022 के अंदर रिलीज़ किया गया था और यह एक ड्रामा और थ्रिलर मूवी है यह मूवी जो थी वो एक साथ पाँच भाषा के अंदर रिलीज़ हुई है डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जी हाँ दोस्तों ये मूवी एक साथ पाँच भाषा के अंदर आ चुकी है डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर तो आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं वहाँ पर मूवी आपको हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ और मलयालम भाषा में देखने को मिलेंगी अब आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास जो है वो डिजनी प्लस की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी और वो लोग इन मूवी को फ्री में देखना चाह रहे होंगे तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ आप इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हो तो मूवी आपको बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी इसके अलावा बहुत सारे टेलीग्राम चैनल में यह मूवी आपको आसानी से मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को कहीं से भी देख सकते हैं चूंकि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता हूँ बाकी वो आपकी अपनी चॉइस है अगर हम बात करें मूवी के बारे में तो मूवी के अंदर ड्रामा और थ्रिलर देखने को मिलता है मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की निकल के आई थी जो आईएमडीबी है वहाँ पर इस मूवी को टेन आउट ऑफ सेवन पॉइंट सिक्स की रेटिंग मिली थी इसके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर थ्री स्टार मिले थे और नाइन्टी फोर परसेंट लोगों ने इस मूवी को लैक्स दिया था गूगल की तरफ से तो यहाँ पर इस मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की थी इससे ही आपको मालूम पड़ गया होगा कि मूवी की कहानी काफ़ी दमदार होने वाली है अगर हम बात करें मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रभु सोलोमन ने जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं इनकी मूवीज़ काफ़ी हटके होती है इन्होंने पहले भी जो है वो कहाडन कुमकी थधारी महीना काहल जैसी कमाल की मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी यूनिक रही थी और उनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी अच्छी भी होती हैं अगर हम इस मूवी के मुख्य किरदार के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर अश्विन कुमार कोवैसरला नानजी संपत थम्बी और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार रकावट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों आप में से बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी हिट रही थी तो बॉप रही थी तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ कि इस मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और ये एक हिट मूवी साबित हुई थी चलिए हम बात करते हैं कि मूवी की जो कहानी है वो किस तरह की है और इस मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी जो है देखने को मिलेंगी और हमें इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं तो दोस्तों पहली बात तो आपको इस मूवी को ज़रूर देखना चाहिए इस मूवी की स्टोरी जो है काफ़ी कमाल की है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको बहुत सारे अच्छे और बेहतरीन सीन भी देखने को मिलते हैं तो अगर हम बात करें तो इस मूवी की जो कहानी है वो अंबु नाम की एक बस अपने 24 यात्रियों की कहानी सुनाते हैं जो कि कोडाइनाल से डिंडोगुल तक की यात्रा की एक झलक देती है कोबे सरला और उसके पोती सुखी जीवन जीती है लेकिन वे पुलिस के जाल में फंस जाते हैं और उनके साथ एक बहुत ही बड़ा तगड़ा स्कैम होता है जो गुना उन्होंने किया ही नहीं था उनकी सजा उनको मिलने वाली थी पढ़ा लिखा युवक दिन दुखिया की मदद करता है और अनजाने में ही दुश्मन बना लेते हैं मूवी के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर एक ऐसे बंदे का भी है जो कि किसी की मदद करना चाहता था पर मदद करने के चक्कर में उसने अपने ऊपर ही बहुत ही बड़ा जोखिम उठा लिया होता है इस मूवी का क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का है स्टोरी लाइन काफ़ी कमाल की है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को मिस मत कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएंगी मैं आप सभी को बता दूँ मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर मिलेंगी आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं इसके अलावा मूवी बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट्स पर भी अवेलेबल हैं तो आप इस मूवी को वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं इस मूवी का दोस्तों क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का था जो आप सभी को ज़रूर अच्छा लगेगा अगर हम इस मूवी के हिंदी टेलीविज़न प्रीमियर के बारे में बात करें तो इस मूवी का जो हिंदी टेलीविज़न प्रीमियर है वो आप सभी को देखने को मिलने वाला है स्टार गोल्ड पर जी हाँ दोस्तों इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिलेगा यह मूवी अब अब आपको लगभग एक से दो महीने के अंदर ही स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को टीवी पर भी देख पाएंगे तो काफ़ी सही मूवी है टीवी पर आए तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा मूवी दोस्तों आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है चलिए हम बात कर लेते हैं आगे जो है वो इस मूवी के बारे में कि मूवी के अंदर आपको क्या ऐसा ख़ास देखने को मिलता है तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर लॉयर होते हैं उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी शानदार लगी जो कि भाई दिल को छू गए उनकी एक्टिंग इसके अलावा भी इन्होंने जो यहाँ पर किरदार जिनका है वो काफ़ी कमाल का मुझे लगा तो ओवरऑल मूवी काफ़ी सही है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिए मूवी आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी इस मूवी के अंदर जितने भी कलाकार हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है जो आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है आज हम यहाँ पर एक और कमाल की और धमाकेदार मूवी के बारे में बात करेंगे जो कि दोस्तों आपके दिल को छू छूलेंगी तो काफ़ी कमाल की मूवी है साथ में ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो और इस मूवी को जानना चाहते हो तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है जो आप सभी को शायद ज़रूर पसंद आएगी तो काफ़ी कमाल की मूवी है और इस मूवी को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी मैं आप सभी को बता दूँ कि ये मूवी जो है वो सत्य घटना पर आधारित है ऐसी घटना पहले भी घट चुकी है तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में दोस्तों मूवी का नाम है सैम भी इस मूवी को 2022 के अंदर रिलीज़ किया गया था और यह एक ड्रामा और थ्रिलर मूवी है यह मूवी जो थी वो एक साथ पाँच भाषा के अंदर रिलीज हुई है डिजनी प्लस हॉफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर जी हाँ दोस्तों ये मूवी एक साथ पाँच भाषा के अंदर आ चुकी है डिजनी प्लस हॉफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर तो आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं वहाँ पर मूवी आपको हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ और मलयालम भाषा में देखने को मिलेंगी अब आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास जो है वो डिजनी प्लस की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी और वो लोग इन मूवी को फ्री में देखना चाह रहे होंगे तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ आप इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हो तो मूवी आपको बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी इसके अलावा बहुत सारे टेलीग्राम चैनल में यह मूवी आपको आसानी से मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को कहीं से भी देख सकते हैं चूँकि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता हूँ बाकी वो आपकी अपनी चॉइस है अगर हम बात करें मूवी के बारे में तो मूवी के अंदर ड्रामा और थ्रिलर देखने को मिलता है मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की निकल के आई थी जो आई है वहाँ पर इस मूवी को टेन आउट ऑफ सेवन पॉइंट सिक्स की रेटिंग मिली थी इसके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर थ्री स्टार मिले थे और नाइन्टी फोर परसेंट लोगों ने इस मूवी को लैक्स दिया था गूगल की तरफ से तो यहाँ पर इस मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की थी इससे ही आपको मालूम पड़ गया होगा कि मूवी की कहानी काफ़ी दमदार होने वाली है अगर हम बात करें मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रभु सोलोमन ने जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं इनकी मूवीज़ काफ़ी हटके होती है इन्होंने पहले भी जो है वो कहाडन कुमकी थधारी महीना काहल जैसी कमाल की मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी यूनिक रही थी और उनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी अच्छी भी होती हैं अगर हम इस मूवी के मुख्य किरदार के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर अश्विन कुमार कोवैसर नानजी संपत थाम्बी और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार रकावट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों आप में से बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी हिट रही थी तो फ्लॉप रही थी तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ कि इस मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और ये एक हिट मूवी साबित हुई थी चलिए हम बात करते हैं कि, कर तो, कि मूवी की जो कहानी है वो किस तरह की है और इस मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी जो है देखने को मिलेंगी और हमें इस मूवी तो दे तो 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 को देखना चाहिए या नहीं तो दोस्तों पहली बात तो आपको इस मूवी को ज़रूर देखना चाहिए इस मूवी की स्टोरी जो है काफ़ी कमाल की है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको बहुत सारे अच्छे और बेहतरीन सीन भी देखने को मिलते हैं तो अगर हम बात करें तो इस मूवी की जो कहानी है तो वो अंबु नाम की एक बस अपने 24 यात्रियों की कहानी सुनाते हैं जो कि कोडाइनाल से डिंडोगुल तक की यात्रा की एक झलक देती है कोबे सरला और उसके पोती सुखी जीवन जीती है लेकिन वे पुलिस के जाल में फंस जाते हैं और उनके साथ एक बहुत ही बड़ा तगड़ा स्कैम होता है जो गुना उन्होंने किया ही नहीं था उनकी सजा उनको मिलने वाली थी पढ़ा लिखा युवक दिन दुखिया की मदद करता है और अनजाने में ही दुश्मन बना लेते हैं मूवी के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर एक ऐसे बंदे का भी है जो कि किसी की मदद करना चाहता था पर मदद करने के चक्कर में उसने अपने ऊपर ही बहुत ही बड़ा जोखिम उठा लिया होता है इस मूवी का क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का है स्टोरी लाइन काफ़ी कमाल की है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को मिस मत कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएंगी मैं आप सभी को बता दूँ मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर मिलेंगी आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं इसके अलावा मूवी बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट्स पर भी अवेलेबल हैं तो आप इस मूवी को वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं इस मूवी का दोस्तों क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का था जो आप सभी को ज़रूर अच्छा लगेगा अगर हम इस मूवी के हिंदी टेलीविज़न प्रीमियर के बारे में बात करें तो इस मूवी का जो हिंदी टेलीविज़न प्रीमियर है वो आप सभी को देखने को मिलने वाला है स्टार गोल्ड पर जी हाँ दोस्तों इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिलेगा यह मूवी अब आपको लगभग एक से दो महीने के अंदर ही स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को टी पर भी देख पाएंगे तो काफ़ी सही मूवी है टी पर आए तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा मूवी दोस्तों आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है चलिए हम बात कर लेते हैं आगे जो है वो इस मूवी के बारे में कि मूवी के अंदर आपको क्या ऐसा ख़ास देखने को मिलता है तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर लॉयर होते हैं उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी शानदार लगी जो कि भाई दिल को छू गए उनकी एक्टिंग इसके अलावा भी इन्होंने जो यहाँ पर किरदार का है वो काफ़ी कमाल का मुझे लगा तो ओवरऑल मूवी काफ़ी सही है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिए मूवी आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी इस मूवी के अंदर जितने भी कलाकार हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है जो आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है आज हम यहाँ पर एक और कमाल की और धमाकेदार मूवी के बारे में बात करेंगे जो कि दोस्तों आपके दिल को छू छूलेंगी तो काफ़ी कमाल की मूवी है साथ में ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो और इस मूवी को जानना चाहते हो तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है जो आप सभी को शायद ज़रूर पसंद आएगी तो काफ़ी कमाल की मूवी है और इस मूवी को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिए दोस्तों मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी मैं आप सभी को बता दूँ कि ये मूवी जो है वो सत्य घटना पर आधारित है ऐसी घटना पहले भी घट चुकी है तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में दोस्तों मूवी का नाम है सैम भी इस मूवी को 2022 के अंदर रिलीज़ किया गया था और यह एक ड्रामा और थ्रिलर मूवी है यह मूवी जो थी वो एक साथ पाँच भाषा के अंदर रिलीज हुई है डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जी हाँ दोस्तों ये मूवी एक साथ पाँच भाषा के अंदर आ चुकी है डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर तो आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं वहाँ पर मूवी आपको हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ और मलयालम भाषा में देखने को मिलेंगी अब आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास जो है वो डिजनी प्लस की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी और वो लोग इन मूवी को फ्री में देखना चाह रहे होंगे तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ आप इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हो तो मूवी आपको बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी इसके अलावा बहुत सारे टेलीग्राम चैनल में यह मूवी आपको आसानी से मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को कहीं से भी देख सकते हैं चूँकि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता हूँ बाकी वो आपकी अपनी चॉइस है अगर हम बात करें मूवी के बारे में तो मूवी के अंदर ड्रामा और थ्रिलर देखने को मिलता है मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की निकल के आई थी जो आई है वहाँ पर इस मूवी को टेन आउट ऑफ सेवन पॉइंट सिक्स की रेटिंग मिली थी इसके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर थ्री स्टार मिले थे और नाइन्टी फोर परसेंट लोगों ने इस मूवी को लैक्स दिया था गूगल की तरफ से तो यहाँ पर इस मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की थी इससे ही आपको मालूम पड़ गया होगा कि मूवी की कहानी काफ़ी दमदार होने वाली है अगर हम बात करें मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रभु सोलोमन ने जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं इनकी मूवीज़ काफ़ी हटके होती है इन्होंने पहले भी जो है वो कहाडन कुमकी थधारी महीना काहल जैसी कमाल की मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी यूनिक रही थी और उनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी अच्छी भी होती हैं अगर हम इस मूवी के मुख्य किरदार के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर अश्विन कुमार कोवैसर नानजी संपत थाम्बी और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार रकावट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों आप में से बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी हिट रही थी तो प्रॉप रही थी तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ कि इस मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और ये एक हिट मूवी साबित हुई थी चलिए हम बात करते हैं कि मूवी की जो कहानी है वो किस तरह की है और इस मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी जो है देखने को मिलेंगी और हमें इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं तो दोस्तों पहली बात तो आपको इस मूवी को ज़रूर देखना चाहिए इस मूवी की स्टोरी जो है काफ़ी कमाल की है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको बहुत सारे अच्छे और बेहतरीन सीन भी देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें तो इस मूवी की जो कहानी है वो अंबु नाम की एक बस अपने 24 यात्रियों की कहानी सुनाते हैं जो कि कोडाइनाल से डिंडोगुल तक की यात्रा की एक झलक देती है कोवे सरला और उसके पोती सुखी जीवन जीती है लेकिन वे पुलिस के जाल में फंस जाते हैं और उनके साथ एक बहुत ही बड़ा तगड़ा स्कैम होता है जो गुना उन्होंने किया ही नहीं था उनकी सजा उनको मिलने वाली थी पढ़ा लिखा युवक दिन दुखिया की मदद करता है और अनजाने में ही दुश्मन बना लेते हैं मूवी के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर एक ऐसे बंदे का भी है जो कि किसी की मदद करना चाहता था पर मदद करने के चक्कर में उसने अपने ऊपर ही बहुत ही बड़ा जोखिम उठा लिया होता है इस मूवी का क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का है स्टोरी लाइन काफ़ी कमाल की है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को मिस मत कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएँगी मैं आप सभी को बता दूँ मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर मिलेंगी आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं इसके अलावा मूवी बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट्स पर भी अवेलेबल हैं तो आप इस मूवी को वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं इस मूवी का दोस्तों क्लाइमेक्स काफ़ी गजब का था जो आप सभी को ज़रूर अच्छा लगेगा अगर हम इस मूवी के हिंदी टेलीविज़न प्रीमियर के बारे में बात करें तो इस मूवी का जो हिंदी टेलीविज़न प्रीमियर है वो आप सभी को देखने को मिलने वाला है स्टार गोल्ड पर जी हाँ दोस्तों इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिलेगा यह मूवी अब आपको लगभग एक से दो महीने के अंदर ही स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को टीवी पर भी देख पाएंगे तो काफ़ी सही मूवी है टीवी पर आए तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा मूवी दोस्तों आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है चलिए हम बात कर लेते हैं आगे जो है वो इस मूवी के बारे में कि मूवी के अंदर आपको क्या ऐसा ख़ास देखने को मिलता है तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर लॉयर होते हैं उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी शानदार लगी जो कि भाई दिल को छू गए उनकी एक्टिंग इसके अलावा भी इन्होंने जो यहाँ पर किरदार जिनका है वो काफ़ी कमाल का मुझे लगा तो ओवरऑल मूवी काफ़ी सही है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिए मूवी आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी इस मूवी के अंदर जितने भी कलाकार हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है जो आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है आज हम यहाँ पर एक और कमाल की और धमाकेदार मूवी के बारे में बात करेंगे जो कि दोस्तों आपके दिल को छू छूलेंगी तो काफ़ी कमाल की मूवी है साथ में ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो और इस मूवी को जानना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है जो आप सभी को शायद ज़रूर पसंद आएंगी तो काफ़ी कमाल की मूवी है और इस मूवी को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी मैं आप सभी को बता दूँ ये मूवी जो है वो सत्य घटना पर आधारित है ऐसी घटना पहले भी घट चुकी है तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में दोस्तों मूवी का नाम है सैम भी इस मूवी को 2022 के अंदर रिलीज़ किया गया था और यह एक ड्रामा और थ्रिलर मूवी है यह मूवी जो थी वो एक साथ पाँच भाषा के अंदर रिलीज़ हुई है डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जी हाँ दोस्तों ये मूवी एक साथ पाँच भाषा के अंदर आ चुकी है डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर तो आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं वहाँ पर मूवी आपको हिंदी तमिल तेलुगू कन्नड़ और मलयालम भाषा में देखने को मिलेंगी अब आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास जो है वो डिजनी प्लस की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी और वो लोग इन मूवी को फ्री में देखना चाह रहे होंगे तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ आप इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हो तो मूवी आपको बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी इसके अलावा बहुत सारे टेलीग्राम चैनल में यह मूवी आपको आसानी से मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को कहीं से भी देख सकते हैं चूँकि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता हूँ बाकी वो आपकी अपनी चॉइस है अगर हम बात करें मूवी के बारे में तो मूवी के अंदर ड्रामा और थ्रिलर देखने को मिलता है मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की निकल के आई थी जो आई है वहाँ पर इस मूवी को टेन आउट ऑफ सेवन पॉइंट सिक्स की रेटिंग मिली थी इसके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर थ्री स्टार मिले थे और नाइन्टी फोर परसेंट लोगों ने इस मूवी को लैक्स दिया था गूगल की तरफ से तो यहाँ पर इस मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की थी इससे ही आपको मालूम पड़ गया होगा कि मूवी की कहानी काफ़ी दमदार होने वाली है अगर हम बात करें मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रभु सोलोमन ने जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं इनकी मूवीज़ काफ़ी हटके होती है इन्होंने पहले भी जो है वो कहाडन कुमकी थुदारी महीना काहल जैसी कमाल की मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी यूनिक रही थी और उनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी अच्छी भी होती हैं अगर हम इस मूवी के मुख्य किरदार के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर अश्विन कुमार कोवै सरला नानजी संपत थाम्बी और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार रकावट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों आप में से बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी हिट रही थी तो रॉप रही थी तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ कि इस मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और ये एक हिट मूवी साबित हुई थी चलिए हम बात करते हैं कि मूवी की जो कहानी है वो किस तरह की है और इस मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी जो है देखने को मिलेंगी और हमें इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं तो दोस्तों पहली बात तो आपको इस मूवी को ज़रूर देखना चाहिए इस मूवी की स्टोरी जो है काफ़ी कमाल की है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको बहुत सारे अच्छे और बेहतरीन सीन भी देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें तो इस मूवी की जो कहानी है वो अंबु नाम की एक बस अपने 24 यात्रियों की कहानी सुनाते हैं जो कि कोडाइनाल से डिंडोगुल तक की यात्रा की एक झलक देती है कोवे सरला और उसके पोती सुखी जीवन जीती है लेकिन वे पुलिस के जाल में फंस जाते हैं और उनके साथ एक बहुत ही बड़ा तगड़ा स्कैम होता है जो गुना उन्होंने किया ही नहीं था उनकी सजा उनको मिलने वाली थी पढ़ा लिखा युवक दिन दुखिया की मदद करता है और अनजाने में ही दुश्मन बना लेते हैं मूवी के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर एक ऐसे बंदे का भी है जो कि किसी की मदद करना चाहता था पर मदद करने के चक्कर में उसने अपने ऊपर ही बहुत ही बड़ा जोखिम उठा लिया होता है इस मूवी का क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का है स्टोरी लाइन काफ़ी कमाल की है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को मिस मत कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएँगी मैं आप सभी को बता दूँ मूवी आपको डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर मिलेंगी आप इस मूवी को डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं इसके अलावा मूवी बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट्स पर भी अवेलेबल हैं तो आप इस मूवी को वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं इस मूवी का दोस्तों क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का था जो आप सभी को ज़रूर अच्छा लगेगा अगर हम इस मूवी के हिंदी टेलीविज़न प्रीमियर के बारे में बात करें तो इस मूवी का जो हिंदी टेलीविज़न प्रीमियर है वो आप सभी को देखने को मिलने वाला है स्टार गोल्ड पर जी हाँ दोस्तों इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिलेगा यह मूवी अब अब आप आपको लगभग एक से दो महीने के अंदर ही स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को टीवी पर भी देख पाएंगे तो काफ़ी सही मूवी है टीवी पर आए तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा मूवी दोस्तों आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है चलिए हम बात कर लेते हैं आगे जो है वो इस मूवी के बारे में कि मूवी के अंदर आपको क्या ऐसा ख़ास देखने को मिलता है तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर लॉयर होते हैं उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी शानदार लगी जो कि भाई दिल को छू गए उनकी एक्टिंग इसके अलावा भी इन्होंने जो यहाँ पर किरदार जिनका है वो काफ़ी कमाल का मुझे लगा तो ओवरऑल मूवी काफ़ी सही है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिए मूवी आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी इस मूवी के अंदर जितने भी कलाकार हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है जो आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है आज हम यहाँ पर एक और कमाल की और धमाकेदार मूवी के बारे में बात करेंगे जो कि दोस्तों आपके दिल को छू लेंगी तो काफ़ी कमाल की मूवी है साथ में ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो और इस मूवी को जानना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है जो आप सभी को शायद ज़रूर पसंद आएगी तो काफ़ी कमाल की मूवी है और इस मूवी को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी मैं आप सभी को बता दूँ कि मूवी जो है वो सत्य घटना पर आधारित है ऐसी घटना पहले भी घट चुकी है तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में दोस्तों मूवी का नाम है सैम भी इस मूवी को 2022 के अंदर रिलीज़ किया गया था और यह एक ड्रामा और थ्रिलर मूवी है यह मूवी जो थी वो एक साथ पाँच भाषा के अंदर रिलीज़ हुई है डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जी हाँ दोस्तों ये मूवी एक साथ पाँच भाषा के अंदर आ चुकी है डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर तो आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं वहाँ पर मूवी आपको हिंदी तमिल तेलुगू कन्नड़ और मलयालम भाषा में देखने को मिलेंगी अब आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास जो है वो डिजनी प्लस की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी और वो लोग इन मूवी को फ्री में देखना चाह रहे होंगे तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ आप इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हो तो मूवी आपको बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी इसके अलावा बहुत सारे टेलीग्राम चैनल में यह मूवी आपको आसानी से मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को कहीं से भी देख सकते हैं चूँकि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता हूँ बाकी वो आपकी अपनी चॉइस है अगर हम बात करें मूवी के बारे में तो मूवी के अंदर ड्रामा और थ्रिलर देखने को मिलता है मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की निकल के आई थी जो आई है वहाँ पर इस मूवी को टेन आउट ऑफ सेवन पॉइंट सिक्स की रेटिंग मिली थी इसके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर थ्री स्टार मिले थे और नाइन्टी फोर परसेंट लोगों ने इस मूवी को लैक्स दिया था गूगल की तरफ से तो यहाँ पर इस मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की थी इससे ही आपको मालूम पड़ गया होगा कि मूवी की कहानी काफ़ी दमदार होने वाली है अगर हम बात करें मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रभु सोलोमन ने जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं इनकी मूवीज़ काफ़ी हटके होती है इन्होंने पहले भी जो है वो कहाडन कुमकी तुधारी महीना काहल जैसी कमाल की मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी यूनिक रही थी और उनकी मूवीज दोस्तों काफ़ी अच्छी भी होती हैं अगर हम इस मूवी के मुख्य किरदार के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर अश्विन कुमार कोवै सरला नानजी संपत थाम्बी और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार रकावट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों आप में से बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी हिट रही थी तो फ्लॉप रही थी तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इस मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था और ये एक हिट मूवी साबित हुई थी चलिए हम बात करते हैं कि मूवी की जो कहानी है वो किस तरह की है और इस मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी जो है देखने को मिलेंगी और हमें इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं तो दोस्तों पहली बात तो आपको इस मूवी को ज़रूर देखना चाहिए इस मूवी की स्टोरी जो है काफ़ी कमाल की है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको बहुत सारे अच्छे और बेहतरीन सीन भी देखने को मिलते हैं तो अगर हम बात करें तो इस मूवी की जो कहानी है वो अंबु नाम की एक बस अपने 24 यात्रियों की कहानी सुनाते हैं जो कि कोडाइनाल से डिंडोगुल तक की यात्रा की एक झलक देती है कोवे सरला और उसके पोती सुखी जीवन जीती है लेकिन वे पुलिस के जाल में फंस जाते हैं और उनके साथ एक बहुत ही बड़ा तगड़ा स्कैम होता है जो गुना उन्होंने किया ही नहीं था उनकी सजा उनको मिलने वाली थी पढ़ा लिखा युवक दिन दुखिया की मदद करता है और अनजाने में ही दुश्मन बना लेते हैं मूवी के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर एक ऐसे बंदे का भी है जो कि किसी की मदद करना चाहता था पर मदद करने के चक्कर में उसने अपने ऊपर ही बहुत ही बड़ा जोखिम उठा लिया होता है इस मूवी का क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का है स्टोरी लाइन काफ़ी कमाल की है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को मिस मत कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएंगी मैं आप सभी को बता दूँ मूवी आपको डिजनी प्लस ऑफ स्टार के ऑफिशियल ऐप पर मिलेंगी आप इस मूवी को डिजनी प्लस ऑफ स्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं इसके अलावा मूवी बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट्स पर भी अवेलेबल हैं तो आप इस मूवी को वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं इस मूवी का दोस्तों क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का था जो आप सभी को ज़रूर अच्छा लगेगा अगर हम इस मूवी के हिंदी टेलीविज़न प्रीमियर के बारे में बात करें तो इस मूवी का जो हिंदी टेलीविज़न प्रीमियर है वो आप सभी को देखने को मिलने वाला है स्टार गोल्ड पर जी हाँ दोस्तों इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिलेगा यह मूवी अब आपको लगभग एक से दो महीने के अंदर ही स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को टी पर भी देख पाएंगे तो काफ़ी सही मूवी है टी पर आए तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा मूवी दोस्तों आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है चलिए हम बात कर लेते हैं आगे जो है वो इस मूवी के बारे में कि मूवी के अंदर आपको क्या ऐसा खास देखने को मिलता है तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर लॉयर होते हैं उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी शानदार लगी जो कि भाई दिल को छू गए उनकी एक्टिंग इसके अलावा इन्होंने जो यहाँ पर किरदार जिनका है वो काफ़ी कमाल का मुझे लगा तो ओवरऑल मूवी काफ़ी सही है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिए मूवी आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी इस मूवी के अंदर जितने भी कलाकार हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है जो आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है आज हम यहाँ पर एक और कमाल की और धमाकेदार मूवी के बारे में बात करेंगे जो कि दोस्तों आपके दिल को छू छूलेंगी तो काफ़ी कमाल की मूवी है साथ में ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो और इस मूवी को जानना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है जो आप सभी को शायद ज़रूर पसंद आएगी तो काफ़ी कमाल की मूवी है और इस मूवी को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी मैं आप सभी को बता दूँ ये मूवी जो है वो सत्य घटना पर आधारित है ऐसी घटना पहले भी घट चुकी है तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में दोस्तों मूवी का नाम है सैम भी इस मूवी को 2022 के अंदर रिलीज़ किया गया था और यह एक ड्रामा और थ्रिलर मूवी है यह मूवी जो थी वो एक साथ पाँच भाषा के अंदर रिलीज़ हुई है डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर जी हाँ दोस्तों ये मूवी एक साथ पाँच भाषा के अंदर आ चुकी है डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर तो आप इस मूवी को डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं वहाँ पर मूवी आपको हिंदी तमिल तेलुगू कन्नड़ और मलयालम भाषा में देखने को मिलेंगी अब आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास जो है वो डिजनी प्लस की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी और वो लोग इन मूवी को फ्री में देखना चाह रहे होंगे तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ आप इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हो तो मूवी आपको बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी इसके अलावा बहुत सारे टेलीग्राम चैनल में यह मूवी आपको आसानी से मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को कहीं से भी देख सकते हैं चूँकि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता हूँ बाकी वो आपकी अपनी चॉइस है अगर हम बात करें मूवी के बारे में तो मूवी के अंदर ड्रामा और थ्रिलर देखने को मिलता है मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की निकल के आई थी जो आई है वहाँ पर इस मूवी को टेन आउट ऑफ सेवन पॉइंट सिक्स की रेटिंग मिली थी इसके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर थ्री स्टार मिले थे और नाइन्टी फोर परसेंट लोगों ने इस मूवी को लैक्स दिया था गूगल की तरफ से तो यहाँ पर इस मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की थी इससे ही आपको मालूम पड़ गया होगा कि मूवी की कहानी काफ़ी दमदार होने वाली है अगर हम बात करें मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रभु सोलोमन ने जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं इनकी मूवीज़ काफ़ी हटके होती है इन्होंने पहले भी जो है वो कहाडन कुमकी थुदारी महीना काहल जैसी कमाल की मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी यूनिक रही थी और उनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी अच्छी भी होती हैं अगर हम इस मूवी के मुख्य किरदार के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर अश्विन कुमार कोवैसर नानजी संपत थाम्बी और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार शांवट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों आप में से बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी हिट रही थी तो फ्लॉप रही थी तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इस मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और ये एक हिट मूवी साबित हुई थी चलिए हम बात करते हैं कि मूवी की जो कहानी है वो किस तरह की है और इस मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी जो है देखने को मिलेंगी और हमें इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं तो दोस्तों पहली बात तो आपको इस मूवी को ज़रूर देखना चाहिए इस मूवी की स्टोरी जो है काफ़ी कमाल की है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको बहुत सारे अच्छे और बेहतरीन सीन भी देखने को मिलते हैं तो अगर हम बात करें तो इस मूवी की जो कहानी है वो अंबु नाम की एक बस अपने 24 यात्रियों की कहानी सुनाते हैं जो कि कोडाइनाल से डिंडोगुल तक की यात्रा की एक झलक देती है कोवे सरला और उसके पोती सुखी जीवन जीती है लेकिन वे पुलिस के जाल में फंस जाते हैं और उनके साथ एक बहुत ही बड़ा तगड़ा स्कैम होता है जो गुना उन्होंने किया ही नहीं था उनकी सजा उनको मिलने वाली थी पढ़ा लिखा युवक दिन दुखिया की मदद करता है और अनजाने में ही दुश्मन बना लेते हैं मूवी के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर एक ऐसे बंदे का भी है जो कि किसी की मदद करना चाहता था पर मदद करने के चक्कर में उसने अपने ऊपर ही बहुत ही बड़ा जोखिम उठा लिया होता है इस मूवी का क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का है स्टोरी लाइन काफ़ी कमाल की है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को मिस मत कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएँगी मैं आप सभी को बता दूँ मूवी आपको डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर मिलेंगी आप इस मूवी को डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं इसके अलावा मूवी बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर भी अवेलेबल है तो आप इस मूवी को वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं इस मूवी का दोस्तों क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का था जो आप सभी को ज़रूर अच्छा लगेगा अगर हम इस मूवी के हिंदी टेलीविज़न प्रीमियर के बारे में बात करें तो इस मूवी का जो हिंदी टेलीविज़न प्रीमियर है वो आप सभी को देखने को मिलने वाला है स्टार गोल्ड पर जी हाँ दोस्तों इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिलेगा यह मूवी अब, अब आप आपको लगभग एक से दो महीने के अंदर ही स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को टीवी पर भी देख पाएंगे तो काफ़ी सही मूवी है टीवी पर आए तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा मूवी दोस्तों आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है चलिए हम बात कर लेते हैं आगे जो है वो इस मूवी के बारे में कि मूवी के अंदर आपको क्या ऐसा खास देखने को मिलता है तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर लॉयर होते हैं उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी शानदार लगी जो कि भाई दिल को छू गए उनकी एक्टिंग इसके अलावा इन्होंने जो यहाँ पर किरदार जिनका है वो काफ़ी कमाल का मुझे लगा तो ओवरऑल मूवी काफ़ी सही है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिए मूवी आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी इस मूवी के अंदर जितने भी कलाकार हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है जो आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है आज हम यहाँ पर एक और कमाल की और धमाकेदार मूवी के बारे में बात करेंगे जो कि दोस्तों आपके दिल को छू छूलेंगी तो काफ़ी कमाल की मूवी है साथ में ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगी वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो और इस मूवी को जानना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है जो आप सभी को शायद ज़रूर पसंद आएंगी तो काफ़ी कमाल की मूवी है और इस मूवी को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएंगी मैं आप सभी को बता दूँ कि ये मूवी जो है वो सत्य घटना पर आधारित है ऐसी घटना पहले भी घट चुकी है तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में दोस्तों मूवी का नाम है सैम भी इस मूवी को 2022 के अंदर रिलीज़ किया गया था और यह एक ड्रामा और थ्रिलर मूवी है यह मूवी जो थी वो एक साथ पाँच भाषा के अंदर रिलीज़ हुई है डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर जी हाँ दोस्तों ये मूवी एक साथ पाँच भाषा के अंदर आ चुकी है डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर तो आप इस मूवी को डिजनी प्लस ऑफ्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं वहाँ पर मूवी आपको हिंदी तमिल तेलुगू कन्नड़ और मलयालम भाषा में देखने को मिलेंगी अब आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास जो है वो डिजनी प्लस की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी और वो लोग इन मूवी को फ्री में देखना चाह रहे होंगे तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ आप इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हो तो मूवी आपको बहुत सारी थर्ड पार्टी साइट्स पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी इसके अलावा बहुत सारे टेलीग्राम चैनल में यह मूवी आपको आसानी से मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को कहीं से भी देख सकते हैं चूँकि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता हूँ बाकी वो आपकी अपनी चॉइस है अगर हम बात करें मूवी के बारे में तो मूवी के अंदर ड्रामा और थ्रिलर देखने को मिलता है मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की निकल के आई थी जो आई है वहाँ पर इस मूवी को टेन आउट ऑफ सेवन पॉइंट सिक्स की रेटिंग मिली थी इसके अलावा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर थ्री स्टार मिले थे और नाइन्टी फोर परसेंट लोगों ने इस मूवी को लैक्स दिया था गूगल की तरफ से तो यहाँ पर इस मूवी की रेटिंग काफ़ी कमाल की थी इससे ही आपको मालूम पड़ गया होगा कि मूवी की कहानी काफ़ी दमदार होने वाली है अगर हम बात करें मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रभु सोलोमन ने जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं इनकी मूवीज़ काफ़ी हटके होती है इन्होंने पहले भी जो है वो कहाडन कुमकी थधारी महीना काहल जैसी कमाल की मूवीज़ बनाई है जो कि काफ़ी यूनिक रही थी और उनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी अच्छी भी होती हैं अगर हम इस मूवी के मुख्य किरदार के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर अश्विन कुमार कोवैसरला नानजी संपत थाम्बी और भी यहाँ पर बहुत सारे शानदार शांव इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों आप में से बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये मूवी हिट रही थी तो रोप रही थी तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इस मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और ये एक हिट मूवी साबित हुई थी चलिए हम बात करते हैं कि मूवी की जो कहानी है वो किस तरह की है और इस मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी जो है देखने को मिलेंगी और हमें इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं तो दोस्तों पहली बात तो आपको इस मूवी को ज़रूर देखना चाहिए इस मूवी की स्टोरी जो है काफ़ी कमाल की है इसके अलावा दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको बहुत सारे अच्छे और बेहतरीन सीन भी देखने को मिलते हैं तो अगर हम बात करें तो इस मूवी की जो कहानी है वो अम्बू नाम की एक बस अपने 24 यात्रियों की कहानी सुनाते हैं जो कि कोडाइनाल से डिंडूगुल तक की यात्रा की एक झलक देती है कोबे सरला और उसके पोती सुखी जीवन जीती है लेकिन वे पुलिस के जाल में फंस जाते हैं और उनके साथ एक बहुत ही बड़ा तगड़ा स्कैम होता है जो गुना उन्होंने किया ही नहीं था उनकी सजा उनको मिलने वाली थी पढ़ा लिखा युवक दिन दुखिया की मदद करता है और अनजाने में ही दुश्मन बना लेते हैं मूवी के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर एक ऐसे बंदे का भी है जो कि किसी की मदद करना चाहता था पर मदद करने के चक्कर में उसने अपने ऊपर ही बहुत ही बड़ा जोखिम उठा लिया होता है इस मूवी का क्लाइमेक्स काफ़ी गजब का है स्टोरी लाइन काफ़ी कमाल की है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को मिस मत कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए मूवी आप सभी को ज़रूर पसंद आएँगी मैं आप सभी को बता दूँ मूवी आपको डिजनी प्लस ऑफ्टेर के ऑफिशियल ऐप पर मिलेंगी आप इस मूवी को डिजनी प्लस ऑफ्टेयर के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं इसके अलावा मूवी बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट्स पर भी अवेलेबल हैं तो आप इस मूवी को वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं इस मूवी का दोस्तों क्लाइमैक्स काफ़ी गजब का था जो आप सभी को ज़रूर अच्छा लगेगा अगर हम इस मूवी के हिंदी टेलीविज़न प्रीमियर के बारे में बात करें तो इस मूवी का जो हिंदी टेलीविज़न प्रीमियर है वो तो तो आप सभी को देखने को मिलने वाला है स्टार गोल्ड पर जी हाँ दोस्तों इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिलेगा यह मूवी अब आपको लगभग एक से दो महीने के अंदर ही स्टार गोल्ड पर देखने को मिल जाएंगी तो आप इस मूवी को टीवी पर भी देख पाएंगे तो काफ़ी सही मूवी है टीवी पर आए तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा मूवी दोस्तों आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाली है चलिए हम बात कर लेते हैं आगे जो है वो इस मूवी के बारे में कि मूवी के अंदर आपको क्या ऐसा ख़ास देखने को मिलता है तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर लॉयर होते हैं उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी शानदार लगी जो कि भाई दिल को छू गए उनकी एक्टिंग इसके अलावा भी इन्होंने जो यहाँ पर किरदार जिनका है वो काफ़ी कमाल का मुझे लगा तो ओवरऑल मूवी काफ़ी सही है अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखिए मूवी आपको अच्छी ज़रूर लगेंगी इस मूवी के अंदर जितने भी कलाकार हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है जो आप सभी को जरूर पसंद आने वाली है